स्टार्टेड क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन? मैंने ट्रांसक्रिप्शन कब ऑन की? हाँ अच्छा, वो इनकम टैक्स का क्लास लेगा ना, मैं ही बता दूँ। लास्ट क्लास का डेट कोई बोल सकते हो उसमें? ठीक है अच्छा देखो, हम लोग जो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं रिसेंटली, उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग के अंदर मेनली जो डिस्कशन हुआ है वो है कि कैपिटल बजटिंग क्या है और कैपिटल बजटिंग के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे कैपिटल बजटिंग का सिंपल मतलब तो ये होता है सर कि एक बड़ा सा बिजनेस जब अपने बड़े से बिजनेस पे बड़ा सा फंड लगाता है, ठीक है, 100, 200, 300, 500 करोड़, ठीक है, तो जब इतना पैसा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सा चिंता होता है कि भाई जो पैसा मैं डाल रहा हूँ कि ये इरिवर्सिबल है, यानी हम इसको वापस वापस नहीं मिलेगा मेरे को, डाल दिया तो डाल दिया, अगर बिल्डिंग बना दिया तो बना दिया, ठीक है, रास्ता बना दिया तो बना दिया, फैक्ट्री बना दिया तो बना दिया, अब बाद में तो एक बार बनाने के बाद फिर ये नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता, ये सब बहाना मार के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए करने से पहले अच्छा एक बात कहते हैं ना सर, हम लोग देसी लैंग्वेज में कहावत होता है, बांग्ला में भी बोलता है, हिंदी में भी बोलता है, मेरे को बांग्ला आता है इसका, क्या बोलते हैं सर, किचू कौरा रागे दस बार भावो, है सर, कौरा रागे भेबे करो, करने से पहले सोच लिया करो, हाँ वही, करने से पहले सौ बार सोचो, हाँ चलो जो भी भाषा में बोलो है तो चीज तो है। तो एक्चुअली ये कैपिटल बजटिंग भी वही कहता है, करने से पहले सोचना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कहा कर दिया, मेरा मन हुआ कर दिया, क्या मतलब, क्या मन हुआ कर दिया, मेरा मन हुआ 500 करोड़ लगा दिया, क्या मन हुआ लगा दिया, है ना, ठीक है, नहीं बहुत पैसा का बात नहीं है, तुमको सुनने से तुम पागल हो जाएगा, ऐसा ऐसा काम गवर्नमेंट करता है ना किसी किसी जगह में, जो मतलब बोलने से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा, ऐसे मैं बोलूंगा, ऐसा बात नहीं है, अभी स्टार्टिंग ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बोलूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, फिर मैं कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करता है, ठीक है, पॉलिटिकल पंचायती करने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, चलो छोड़ो, फिलहाल फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कैपिटल बजटिंग के बारे में ये सब बात हो गया था कि सर कैपिटल बजटिंग डील्स विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इरिवर्सिबल एंड दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉपर फोरकास्टिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, बेसिकली कैपिटल बजटिंग जो है एक फोरकास्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है इसे हम लोग शॉर्ट में एक नाम देते हैं और उसका नाम है सर पैसिव। पैसिव का ऐसे पैसिव का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ढूंढने मत जाना कि पैसिव क्या होता है, ये मेरा दिया हुआ नाम है सर, ठीक है, एक्रोनिम है, ठीक है, ये मैंने जैसे ऐसे ही बनाया कि प्लानिंग, ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर भी फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एस फॉर सिलेक्शन एंड आर फॉर रिव्यू। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले इस तरह का टेक्निक फॉलो करना चाहिए कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार देख लो। इस पूरा डिस्कशन को हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे और उसके लिए मैंने आपको कुछ पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसमें पार्ट वन था अप्रेजल कॉन्सेप्ट, अप्रेजल का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन मैंने फाइनेंस में अप्रेजल को सिलेक्शन ही बोलते हैं सर, सॉरी सिलेक्शन को अप्रेजल बोलते हैं, उल्टा बोल दिया, ठीक है। अच्छा, पार्ट टू जनरेशन ऑफ कैश फ्लो, यानी बेसिकली जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो वापस में आएगा कितना, कैश का फ्लो कितना होगा, ठीक है, ये हर चीज में यूज करना चाहिए, जानते हो ना, इवन गवर्नमेंट को भी यूज करना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसके बदले मेरा कैश का मैंने आउटफ्लो जितना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मानो कि सोइफा एक बड़ा सा बिजनेस के लिए सोच रहा है,
बड़ा सा नहीं, अपना ही जो बिजनेस है उसी को थोड़ा सा बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। मैंने बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता, अपने हिसाब से होता है। सपोज तुम्हारा फैमिली इनकम सालाना 5 लाख है, अगर तुमको कोई बोलता है कि किसी बिजनेस में 20 लाख लगाने के लिए, तो तुमको चिंता होगा सर कि जो फैमिली एनुअली 5 लाख कमाता है उसको अगर बोलते हैं कि 20 लाख लगाओ, उसके लिए 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सर नो, ठीक है। तो ऐसे बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस ना हम लोग बेसिकली बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा बिजनेस किया। अरे ठीक है, मैंने आप अपने हिसाब से सोचो तो वो ऐसे ही आपके हिसाब से बहुत बड़ा है। तो किसी भी जगह में जब तुम 20 लाख टका लगाने के बारे में सोच रहे हो, 20 लाख इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो, तो वो 20 लाख जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न कैसे आएगा? मैंने पैसा तो लगा देते हो, उसमें कमाओगे कितना, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। फिर रेवेन्यू जनरेट करने से नहीं होगा, प्रॉफिट भी करना है, सर्वाइव करना है, फैमिली को खाना खिलाना है कि नहीं खिलाना, खुद भी खाना है नहीं तो मर जाएंगे। सिंपल बात है, बिजनेस इसी तरह से चलता है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सबको पेट भरना है। ये जितना पॉलिटिकल चल रहा है, ठीक है, किस चीज का लड़ाई चल रहा है, चाहे किसी का आइडियोलॉजी किसी को पसंद हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सबको एक ही बात कर रहे हैं कि हम तुमको ज्यादा भूखा रहने नहीं देंगे, ठीक है। कोई बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख दूंगा, कोई बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब कुछ चीजों में रिटर्न नहीं आता, लेकिन रिटर्न लाने के लिए तुमको कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू जुगाड़ करना पड़ेगा। पैसा तो पेड़ पे नहीं उगेगा ना, मैंने ऐसा तो नहीं है कि पैसे का पेड़ लगाओ और वहां से पैसा ऐसा करके बनाओ। उसके लिए तो पैसा पेड़ पे ही उगता है, मैं इसको मानता हूँ कि पैसा पेड़ पे उगता है। मैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ लगाने से उसमें पैसा मिलेगा, पेड़ लगाने से उसमें से कुछ फल मिलेगा, जिस फल को बेच के अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। तो इनडायरेक्टली पैसा पेड़ पे ही उगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। ये बहुत लोग बोलते हैं पैसा क्या पेड़ में उगता है, अगर आगे से कोई ऐसे बोले तो एकदम जोर से बोलना हाँ पैसा पेड़ में ही उगता है, लेकिन उस पेड़ में तुमको कुछ ऐसे कैश क्रॉप, ऐसे वर्ड होता है सर कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। कैश कैश क्रॉप बोलते हैं ना, बचपन में जियोग्राफी में पढ़े होंगे आप। हाँ कॉटन जैसे कैश क्रॉप में जैसे कॉटन हो सकता है, कैश कैश जनरेट करते हैं, खाने के लिए नहीं उगाते हैं। वेरी गुड सर, दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप। तो पैसा पेड़ पे उगता है, ऐसा बात नहीं। बेसिकली पॉइंट वही है कि तुम 20 लाख लगा रहे हो, तो तुमको 20 लाख से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर आएगा 1 लाख टका, तुमको ऐसा लग रहा है, सेकेंड ईयर आएगा 2 लाख टका, थर्ड ईयर आएगा 4 लाख टका। तो तुमको सोचना चाहिए कि क्या मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, कितना समय लग जाएगा। अगर मानो कि तुम्हारा एक छोटा मोटा फैमिली है, ठीक है, तुम एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे हो, तुम्हारे लिए अगर 20 लाख टका लगा के और वो पैसा को रिटर्न पाते पाते अगर 15 साल लग गया, तुम्हारा आधा जिंदगी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जवानी खत्म हो जाएगा। 25 से लेके 15 साल माने 40, माने लोअर जवानी से हायर जवानी में पहुंच जाओगे। माने 40 इज ऑल्सो यूथ, बट 40 इज अ हायर लेवल यूथ, 25 to 40 इज अ लोअर लेवल यूथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। यूथ का भी दो पार्ट है, फिर 50 से उधर वाला बुढ़ापे का स्टार्टिंग, ठीक है, 50 से 70, फिर 70 से हाई, 50 से 70 नहीं, 50 से 65, 65 to 80। 100 साल तो कोई जीता नहीं है, ऑन एन एवरेज 75-80 आजकल जी रहे हैं हम लोग, है ना, नॉर्मली। बाकी जेनेटिक इश्यूज अलग है किसी किसी फैमिली में होता है 65-66 जाता नहीं, टपक जाता है ऐसे, है ना। फिर हम लोग बोलते हैं मतलब ऐसे फैमिली में बातचीत ना, हम लोग की फैमिली में कोई श्राप है, 65 से ज्यादा कोई टिकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलता उस दिन मैं मेरे मामा घर गया था, मेरा नानी गुजर गया था लास्ट ईयर, तो बहुत प्यार करता था मुझे इसलिए याद आ गया। चलो वो अभी इमोशनल नहीं होना है, एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो नानी जब गुजर गए तो फिर बाकी मामा और जो बड़े भाई लोग होते हैं ना, मतलब बहुत मतलब माँ के एज के हैं, इतना बड़े बड़े दादा होते हैं, तो बड़ा मामा का लड़का से बात हो रहा है जो ऑलमोस्ट माई मॉम से, इवन माँ माँ से भी 2 साल बड़ा है, ठीक है। तो मैं उनको पूछा कि इसके बाद किसका बारी है, कि ज्वाइंट फैमिली है ना तो बोलते तो ये देख आज इसका श्राद्ध चल रहा है, 5 साल बाद लिख ले इसके बाद ये आएगा वो आएगा। अब तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोले देख तू पूरा एकदम वो क्रोनोलॉजिकली सब लिस्ट बना के रखा है कि कोई भी 66 से ज्यादा कोई नहीं होता, तो फिर अगला लिस्ट में कौन है? वो लोग एकदम लिस्ट बना के रखा है कि सेम प्रोग्राम और कितने साल बाद क्या होने वाला है अलग ही लेवल का इनफ्लो आउटफ्लो है जो भी हो। सो पॉइंट इज कि जनरेशन ऑफ कैश आउटफ्लो एंड जनरेशन ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ये सब देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे 20 लाख लगा के तुम एक आम आदमी हो, कम से कम 4-5 साल में तो पैसा आ जाए, अगर 4-5 साल तुम सहन पाते हो। जोमेटो ने इतना पैसा लगाया, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया, 2011-12 से चल रहा है जोमेटो,
ठीक है, अगर मैं मान के चलो कि फुल स्पीड में चालू हुआ 2012-13 से, तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गया, अभी जाके कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट किया, 100-200 करोड़ का अब जाके, ठीक है, दीपेंदर गोयल कंपनी का जो ओनर है, इतना दिन 12 साल बाद 200 करोड़ कमाया, इतना दिन लॉस में ही चल रहा था, ठीक है, तो ये झेलने का ताकत होना चाहिए, ताकत इन द सेंस व्हाट, मसल्स, पावर, फाइनेंशियल रिसोर्स भी होना चाहिए, गुजारा भी करना है, दूसरे किसी ना किसी से तो पैसा, जोमेटो तो उसको खिला नहीं रहा था, लॉस मेकिंग बिजनेस कहां से खाना खिलाएगा उसको, इसका मतलब उसका कुछ दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग था या किसी तरह से वो मैनेज कर रहा था, है ना, अब 200 करोड़ मिला है ना, मिला तो 200 करोड़ मिला, उसमें से उसको अच्छा मिल जाएगा, बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इट्स नॉट ईजी, इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस करने के लिए डर जाते हैं, सर क्या पता आगे क्या होगा, ठीक है, वही क्या पता आगे क्या होगा, उसी को पता करने के लिए ये सब किया जाता है, समझ रहे सर, क्या पता आगे क्या होगा, इसी के लिए ये सब टॉपिक पढ़ा जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के नाम पे ही, चैप्टर के नाम पे ही डिसीजन, मैंने आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रहा है, नाम पे ही इसका जवाब, सवाल पे ही जवाब मिलेगा, क्यों करना पड़ता है, बिकॉज पता नहीं आगे क्या हो, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट सॉल्व करवाया था, ठीक है सर, प्रोजेक्ट क्या था, 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था आपका, कितना करोड़ का, हाँ अरे क्या हो गया इसको, बदमाशी क्यों कर रहे हैं, आठ सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने बेसिकली 800 करोड़ बिजनेस पे लगाया था, 500 करोड़ एक साल बाद वापस आ रहा है, 400 करोड़ दो साल बाद वापस आ रहा है, 600 करोड़ तीन साल बाद वापस आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 3 साल का प्रोजेक्ट माना था, ठीक है, कि मेरे को 800 करोड़ चाहिए, 800 करोड़ जुगाड़ कहाँ से हुआ था, एंड जैसे मैंने बोला कि जुगाड़ कहाँ से हुआ था, इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात आ जाता है, जैसे मैंने बात उठाया कि जुगाड़, ठीक है, जैसे मैंने लैंग्वेज यूज कर लिया जुगाड़, जुगाड़ का मतलब होता है फाइनेंस, ये सब्जेक्ट का नाम जो फाइनेंस फाइनेंस सब लोग चिल्लाते हैं ना, हाँ डिग्री आजकल MBA इन फाइनेंस, होता क्या है, किसी भी MBA फाइनेंस वाले को जाके पूछ लो, एक्सेप्ट IIM वाले को मत पूछना, ठीक है, बाकी नॉर्मल तुम ऐसे किसी को भी पूछो, भाई ये MBA फाइनेंस करते हो, फाइनेंस शब्द का देसी भाषा में मतलब समझाओ, पूछ के मेरे को आगे बताना कि किसने क्या जवाब दिया, अगर किसी को कोई भी मिल जाए जो पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तुम बस एक बार आके मेरे को बोलो, ठीक है, अभी तुम जो MBA इन फाइनेंस पढ़ रहे हो, ये फाइनेंस सब्जेक्ट पढ़ने का मेन पर्पज क्या है, या फिर ये फाइनेंस शब्द के अंदर क्या मतलब छुपा है, देसी भाषा में समझाओ, उनको पता नहीं, तुम उसका परिचय मत लेना, तुम उनको बोलना हमको पता नहीं, ठीक है, और पूछना उनको तुमको क्या जवाब देता है, ठीक है, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुमको पता लगेगा कि MBA फाइनेंस कर रहा है कि फाइनेंस भाषा का सब शब्द का मतलब कितना लोग आता है, ठीक है, 10 लाख का MBA है, मजाक नहीं, 10 लाख का MBA करके अगर एक शब्द का मतलब नहीं पता चला तो फिर क्या कर रहे हैं सर, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत MBA फाइनेंस वाले को पढ़ाए भी है, देखे भी है, ठीक है, सिचुएशन इज वेरी बैड, इसीलिए बोला सर आपको, तो पॉइंट इज कि 800 करोड़ का कैपिटल स्ट्रक्चर 400-400 में हम लोगों ने यहां पर जुगाड़ किया था, 400-400 में जुगाड़ किया था, 400 लाख सर, 400 कहां से मिला, इक्विटी से, और 400 कहां से मिला, डेब्ट से, ठीक है, मैंने 400 लाख का लोन है और 400 लाख का ओन है, ठीक है, दो तरह का ही कैपिटल होता है, अगर आप लोग मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का कभी क्लास करोगे तो उसमें मैं ना इस मतलब एकदम स्टार्टिंग में ये सब पढ़ाता हूँ अकाउंटेंसी में, कि सर बिजनेस में दो ही कैपिटल होता है, एक को बोलते हैं लोन कैपिटल और दूसरे को बोलते हैं ओन कैपिटल, ठीक है, या फिर ऐसे बोला जाता है, एक होता है इनसाइडर और एक होता है आउटसाइडर्स, जिसको हम लोग बोला ओन, उसका वो उसका मतलब है इनसाइडर्स, ठीक है, और जैसे मैंने बोला लोन, इसका मतलब हो जाता है आउटसाइडर, एंड आउटसाइडर के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, तो 800 लाख हम लोगों ने बिजनेस पे क्या किया सर, लगा दिए, ठीक है, अब 800 लाख का मतलब वैसे तो 8 करोड़ होता है ना सर,
इसको मैंने रेशियो किया था 0.5 0.5 पे, मैंने 400:400 क्या हो जाएगा, 400:400 मैंने 1:1, और 1:1 मैंने आधा आधा में बांट गया 50-50 है ना। तो जैसे 50-50 में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। सर एग्जाम्पल में ये बोला गया था कि आपको जो डेब्ट मिल रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, कितना, जिसको प्यार से कहते हैं केडी, क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। ये केडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, माने जो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं सर, बट इतना जान लो केडी का मतलब ये होता है कि मेरा मार्केट से लोन उठाने का कॉस्ट कितना। पान वाला भी समझ जाएगा, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ के आने का जरूरत नहीं है, वो भी मार्केट से लोन लेता है और उसके बदले इंटरेस्ट चुकाता है। पान वाला को कोई एमबीए का या बीकॉम का भी डिग्री नहीं है। सर ऐसे छोटा क्यों करते हो आप? सर छोटा नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग गलत मत ले लेना मेरे को, किसी को छोटा बड़ा करने का औकात नहीं मेरा, भगवान ने मेरे को जितना औकात दिया मैं उतने का बताने का कोशिश करता हूँ। केडी का मतलब है सर कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या, कि मैंने जो डेब्ट उठा रहा हूँ उसके पीछे मेरा खर्चा कितना। सपोज 1,00,000 मैं मार्केट से लोन लेने जा रहा हूँ और बैंक, उसमें बैंक को मेरे को 10% देना पड़ रहा है, ठीक है, तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 टका, समझ में आ रहा है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट है मेरे लिए। अभी आप लोगों के क्लास से पहले एक जन मेरे को शाम को मिलने आया था थोड़ा कुछ देर पहले, यस बैंक से आया, ठीक है, ऐसे आ जाता है सेल्स मैन लोग आते हैं ना, बैंक सेल्स, बैंक मैंने बैंकिंग सेल्स में है, ठीक है, तो मेरे को बोलता है कि यस बैंक से आया है, दादा बैंकिंग नीड नहीं है, बोला नहीं नहीं दो चार बात सुन लो, अब क्या है ना स्ट्रगलिंग यूथ है, कम से कम सुन लेते हैं, ठीक है, चलो बोलो क्या है, नहीं बैंक अकाउंट खोल दो, हम बोले आपको देख के लग रहा है मेरा बैंक अकाउंट नहीं है नहीं नहीं आपको बेनिफिट देंगे, मैंने ठीक है क्या बेनिफिट, एफडी है सर आपका, हाँ है वो तो है, बोले कि नहीं यस बैंक में एफडी है, बोले नहीं पहले खोलो ना, ठीक है, यानी कि यस बैंक एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, बोले आपका जहाँ पर है उससे तो ज़्यादा ही दे रहा है, ठीक है, नहीं सही बोला, ठीक है, नॉर्मली स्टेट बैंक या कोई भी गवर्नमेंट बैंक का 7.25 ऐसा चल रहा है, 7, 7.5, 7.5 तक नहीं जा रहा है सर, 7.5 तक नहीं है, 7, 7.25 हार्डली, ठीक है, तो फैमिली यस बैंक कितना दे रहा है, बोले 7.77 देगा, बोले अच्छा ही देगा खराब तो नहीं देगा, ठीक है, तो बोले खोल लो ना बेनिफिट है ना, हाँ हमें दादा और मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसे नीड नहीं है मेरा, दो चार बैंक में ऐसे ही अकाउंट खुला हुआ है, माथा खराब हो जाता है, इसका ये चार्ज उसका सारा डेबिट कार्ड भर चुका है, डेबिट कार्ड का पैसा काटता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा काटता है, कहाँ से भरेंगे, बोले अच्छा लोन फैसिलिटीज है, ठीक है, अब चलो वो सब छोड़ो, वो तो आया था मेरे को उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए, यहाँ पर बैंक जो हमको, सपोज मैं 1,00,000 बैंक को देता हूँ और बैंक मेरे को बदले में 7.77% इंटरेस्ट देता है, तो ये बैंक के लिए क्या है बोलो तो, बैंक के लिए डेब्ट है, लायबिलिटी, बैंक मेरे को, मैं बैंक को 1,00,000 दे रहा हूँ, बदले में बैंक मुझे 7.7% देता है, तो ये जो 7.7% है ये बैंक के लिए क्या है, कॉस्ट है ना, लायबिलिटी बोल, नहीं कॉस्ट है, खर्चा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली लायबिलिटी, बैंक ने तुमको लोन नहीं दिया, देखो बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है, सपोज वो 1,00,000 किसी को लोन दिया, सपोज मानो यस बैंक में सोइकॉट का भी अकाउंट है, एग्जाम्पल के तौर पर, अब सोइकॉट बैंक में जाता है और यस बैंक में 1,00,000 रखता है, ऐसे एक लाख टका यस बैंक के पास है जो सोइकॉट का पैसा है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारा चीजें काम करता है कि 1,00,000 पूरा बैंक नहीं दे सकता किसी को, इसमें से SLR और CRR मेंटेन करके, जानते हो ना, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, ये एटलीस्ट 20% के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 20-25% बैंक RBI के पास अपने पास जमा रखेगा, बाकी पैसा वो लोन के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये 1,00,000 यस बैंक के पास है, ठीक है, अब ये 1,00,000 यस बैंक मार्केट में मेरे को लोन देता है, सपोज, ठीक है, मानो सर को लोन दे रहा है, प्रलय बाबू को यस बैंक लोन दे रहा है, तो 1,00,000 अगर बैंक देता है, मैं यहाँ पर इग्नोर किया, ये CRR SLR को इग्नोर किया, उसमें अगर सोइकॉट ने बैंक में क्या किया, FD किया, तो सोइकॉट को मिलेगा 7.77%,
तो 1 लाख टका में 7.77% क्या है, बैंक का कॉस्ट है, माने अप्रोक्स 7,700 टका यस बैंक को एवरी ईयर सोइकॉट के पीछे खर्चा करना पड़ता है, बदले में सोइकॉट बैंक के पास 1 लाख टका रखता है। तो तुमको क्या लगता है, अगर प्रलय बाबू को लोन चाहिए और यस बैंक अगर सोचता है कि प्रलय बाबू को लोन देना है, कितना इंटरेस्ट मांगेगा? इससे तो ज्यादा ही मांगेगा है ना। तो अगर वो मेरे को 10% का भी, ऐसे 10% नहीं होता है नॉर्मली, होम लोन वगैरह फिर भी 9.5-10 हो सकता है, लंबा चलता है। बिजनेस लोन अगर होगा तो कितना चल रहा है बिजनेस लोन, 10.25, चलो 11% मान लेते हैं, ठीक है अप्रॉक्स। अगर बैंक मेरे से 11% लेता है तो 7.7 माने 8.3% है ना, कम से कम 3% का यहाँ पर बैंक क्या करता है, फायदा करता है, प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो ये जो 11% है, ये 11% बैंक के लिए क्या है बोले तो, ये बैंक का रेवेन्यू है। वेरी गुड सर, बैंकिंग बिजनेस में ये 11% रेवेन्यू है, और ये जो 3% है ये बैंकिंग बिजनेस के लिए इनकम है, और ये जो बैंक ने 1 लाख टका जुगाड़ किया ये बैंक के लिए फिनेंस है। कुछ समझे कि नहीं? हाँ, ये बैंकिंग बिजनेस हो गया। तुम्हारा बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस का होगा तो उस हिसाब से सोचना, इन सिंपल हर बिजनेस का ही फंडा होता है। बैंकिंग बिजनेस में पैसा का लेन देन का खेल है, तुम्हारे बिजनेस में पैसा का भी खेल है और साथ में प्रोडक्ट या सर्विस का भी खेल है, यही बस फर्क है, और कुछ तो फर्क है नहीं, है ना। तो यही है फाइनेंस का मेन मुद्दा, बाकी इस मेन मुद्दे को अचीव करने के लिए बहुत सारा तिगड़मबाजी है, इधर उधर का खेल। फाइनेंस को समझना इज नॉट अ बिग डील, बट क्या है ना, कभी कभी मैं देखता हूँ कि ये सिंपल बात ही लोगों को समझ में नहीं आता, ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस सेंस। बिजनेस का सेंस डेवलप करो, ये फाइनेंस वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि बिजनेस सेंस का, लैक ऑफ बिजनेस सेंस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और ये हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है। तो 400-400-800 लाख हम लोगों ने क्या कर दिया सर, डाल दिया, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट। अच्छा, इसमें एक चीज था कि ये जो 15% था ये डेब्ट का कॉस्ट था, ठीक है, और साथ में हम लोगों ने इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट जनरेट किया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लिया था सर, 24%। अच्छा, इस चीज को समझाने के टाइम पे मैं आपको एक और चीज समझाया था कि केडी को जब कैलकुलेट करेंगे I into 1 minus T का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि केडी जो है टैक्स डिडक्टेबल है, तो इसलिए केडी नॉर्मली एक बिफोर टैक्स आइटम, क्या है सर, बिफोर टैक्स आइटम, और इक्विटी जो है वो एक आफ्टर टैक्स आइटम। अब एक बिफोर टैक्स आइटम एक आफ्टर टैक्स आइटम, दोनों में मार्ज कैसे हो सकता, इसलिए किसी एक को तुम कन्वर्ट कर दो तो बेस्ट है, क्योंकि केडी टैक्स डिडक्शन करता है बिजनेस पे, क्योंकि अगर आपके बिजनेस पे लोन है तो आपका टैक्स बच सकता है, इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन मैंने किया था। तो क्योंकि आपका टैक्स बच सकता है, टैक्स में सेविंग्स हो सकता है, इसलिए बोलते हैं कि केडी क्या करता है, माने डेब्ट क्या करता है, टैक्स में सेविंग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स शील्ड जनरेट करना, याद है ना सर। तो केडी आपका 24% था, सॉरी केई 24 था, उसको 24 ही रख दिया। अच्छा, 0.5 कहाँ से आया, वो जो 400-400 था उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो 9% आया ना, ये केडी को I into 1 minus T करके आ गया, माने 15 into 1 minus टैक्स रेट मैंने कितना माना था, 0.40% टैक्स था, तो 40% अगर टैक्स में चला जाता है तो 15 into 0.6, तो आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट हो जाता है 9%, मैंने टैक्स चला गया सर, 40% सरकार को दे दिया, बाकी जो पड़ा है वो है 9%, तो वो 9% मेरे को यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरह से मेरे को 4.5% मिला था, इसको बोलते हैं WD into KD + WE into KE, ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में समझाया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज WACC, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इवन ये जो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं किया उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर चुका है दे कैन अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस शब्द का मतलब होता है कि तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैपिटल आ रहा है, तुमने कुछ पैसा इक्विटी से उठाया, तुमने कुछ पैसा लोन से उठाया, तो लोन तुमने लिया था 15%, इक्विटी तुमने लिया था 24%, तो 24 + 15 कितना हो जा रहा है, नॉर्मल आदमी को पूछो वो क्या बोलेगा, 24 + 15 कितना हो जाएगा,
39% मेरा 39% मेरा कॉस्टिंग है, ये नॉर्मल आदमी बोलेगा, बट एक फाइनेंस का नॉलेज रखने वाला बंदा ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स शील्ड का मैटर आ जाता है ना, वेटेज माने बेसिकली ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट का वेटेज कितना है, कैपिटल इक्विटी का वेटेज कितना है, तो तुमको एक एवरेज कॉस्ट निकालना है जो तुमको बिजनेस के बारे में एक प्रॉपर आइडिया दे। ऐसा नहीं कि बस 24% इक्विटी का कॉस्ट और 15% डेब्ट का कॉस्ट और जोड़ के बोल दो 39% मेरा कॉस्ट है, तब तो पूरा तुम्हारा हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम मैंने बेसिकली तब ये हो जाएगा ना पगला खाबी की, है ना, पगला खाबी की, तो वेरी फेमस बंगाली एक मुहावरा चलता है। मैंने तुमको अगर समझ में अगर मैंने तुम बेसिकली मार्केट में सोच रहे हो मेरे को 40% तो लोगों को देना पड़ता है, तो फिर मैं कितना प्रॉफिट लगाऊं, और ज्यादा प्रॉफिट लगाओगे तो कस्टमर नहीं आएगा, तो फिर कैसे चलेगा तुम्हारा। ये फाइनेंस बेसिकली तुम्हारा कॉस्टिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर फाइनेंस सही नहीं है और फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का जो कॉस्ट मेंटेनिंग है ये सही नहीं है, तो तुम प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर पाओगे, और प्रोडक्ट में प्रॉपर चार्ज नहीं कर पाओगे तो बिजनेस सर्वाइवल इश्यूज में आ जाएगा, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे बेहतर पोजिशन पे चला जाएगा, और अगर मैनेज ना कर पाओ तो शायद बिजनेस ही दुकान ना बंद करना पड़े। सर ऐसा हुआ है क्या? सर हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, बड़े बड़े केस में हुआ है, बार बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, बिग बाजार। इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बिग बाजार को छोटा दिखाने के, उसने मैनेज नहीं कर पाया, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, इतना उले ला 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 ले किया, और फिर अपना एयरलाइंस कंपनी को ही पूरा हवा टाइट करके बेच किया। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी एयरलाइंस था हमारे कंट्री का, अच्छा चल रहा था इंटरनेशनली, एक अलग ही रिकॉग्निशन मिला था कि भाई इंडिया का किंगफिशर एयरलाइंस क्या फैसिलिटीज देता है। थोड़ा धीमा चलता, इकोनॉमी क्लास में कौन बिजनेस फैसिलिटीज देता है, मैंने बिजनेस क्लास का फैसिलिटी, मैंने भारत का जो आम जनता है इनको अगर एरोप्लेन का टिकट 5,000 दिख जाए ना, वो 10 बार सोचता है, एक टिकट के पीछे हम 5,000 खर्चा करें, ये इंडिया है ना, इसमें एक टिकट के पीछे 5,000 खर्चा करने वाला लोगों का संख्या कितना है, इतना एनालिसिस करना इनको नहीं आया। और ये लोग तो आज से 15-20 साल पहले से काम कर रहा था, 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ है, तो 10-12 साल मैंने आज से 15 साल से सही बोला, 15-20 साल पहले, तो उस टाइम पे तो और प्रॉब्लम था, अभी फिर भी 5,000, चलो यार 5,000 ही है, फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन का टिकट तो आजकल नॉर्मल, जो मिडिल क्लास था वो हायर मिडिल हो चुका है, ट्रेन का टिकट में देखेगा 3,000 लग रहा है, चलो यार 2,000 में 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, वो तब टाइम कैलकुलेट करता है ना। 3 का टिकट तुम सेकेंड एसी में जाओगे या थर्ड एसी में जाओगे, थर्ड एसी में तुम 2 दिन में जाओगे, फिर 2 दिन का खाने का खर्चा सब कॉस्टिंग करता है, हर बंदा जानता है कॉस्टिंग क्या है, फाइनेंस क्या है। 2,500 में अगर मानो 3 जन जा रहा है, खाने का खर्चा तो सब कुछ जोड़ जाकर देख रहा है 3,000 तो जाने का, ऊपर से 2 दिन जाने का, उससे अच्छा हम फ्लाइट में जाएंगे 5,000 में पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, टिकट अगर 8,000-9,000 हो जाएगा वो बोलेगा भाई हम नहीं हो सकते। तो टिकट का कॉस्ट कितना करोगे? अच्छा, टिकट कॉस्ट को तो तुम कम नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूल से कनेक्टेड है, और फ्यूल तो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाथ कहाँ है? तुम इकोनॉमिक क्लास का सीट को नॉर्मल रखो, बस का सीट की तरह दे दो भाई, एक बेल्ट दे दो और बेसिक एक कुशन के साथ दे दो, ठीक है, उसमें तुम दे रहे हो जैसे 5-स्टार होटल, क्या बोलते हैं उसको, मूवी हॉल में जैसे होता है ना, ये तुम पैर फैला के लेग स्पेस दे के सीट दे रहे हो, वहां पर कॉस्टिंग मैनेज करना चाहिए, अगर कर लेता ना तो आज चलता और अच्छा इतना होता ना सर। वही तो बिजनेस क्लास में तो उसका डबल टू मच था ना, इसीलिए तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर आपको, उसका इकोनॉमिक क्लास इज इक्वल्स टू बाकी लोगों का बिजनेस क्लास। ऐसे मैं कभी चढ़ा नहीं है, बट जब मैंने इसका केस स्टडीज किया तब मेरे को पता चला, इवन मैं जो लोग किंगफिशर में चढ़ा है ऐसे कुछ लोगों से बात भी किया, भाई ऐसा क्या है, ये क्या देता था, तो बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, कि इसका फैसिलिटीज ऐसा था। इसलिए इंडिगो सबसे बेस्ट क्यों है जानते हो? ठीक है, भले ही 36 सीट देता है, चढ़ने के बाद लगता है कि इससे तो मेरा लोकल बस ही सही था, लेकिन उसको पता है हाउ टू सर्वाइव। जब बाकी सब लोग सोच रहे हम क्या करें, मैंने एकदम टिपिकल एयरलाइंस में रह गए। सर टाटा भी है, लेकिन टाटा का तो पुराना, मतलब
और भी बिजनेस है टाटा को सपोर्ट करने के लिए, और भी हजारों बिजनेस है उसके पास। जैसे टाटा के पास क्या है जानते हो, टाटा के पास एयर एशिया है, टाटा के पास एयर एशिया और एक एयरलाइंस है वो भी टाटा का, एयर इंडिया पहले एयर इंडिया भी अभी टाटा का हो गया, हाँ एयर इंडिया भी टाटा का हो गया, एयर एशिया भी टाटा का है ठीक है, और एक एयरलाइंस है वो भी टाटा का, जेट तो खत्म, जेट जेट को अभी कवर बन रहा है वो घुस जाएगा, 300 फ्लाइट है उसका, पता नहीं वो किसके कवर में जाएगा। जेट का ओनर का जो ओनर है नरेश गोयल, वो तिहाड़ जेल में था, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा, उसका वाइफ का डेथ हो गया, वो भी 2 दिन बाद मरेगा। सर ऐसे कैसे बोला, सर उसका कैंसर हो चुका है। हाँ वो तो बोला था, लेकिन पहले तो अब इसमें पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलेगा ना पूरा, किसका किसका पैसा, पहले तो लोन वाले का पैसा जाएगा ठीक है, वो खरीदने से नहीं होगा, पहले जिनका पैसा है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में चलेगा, ये सॉलिसिटर का काम है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स है, वैल्यूअर्स है। अब उसका वो बोला था हम बेचेंगे, बेचने नहीं दिया उसको, क्यों, क्योंकि बेच अगर बेच देगा ना तो फिर बाद में अगर क्रेडिटर लोग आ जाएगा और लोन लोन प्रोवाइडर लोग आ जाएगा, उनको कहां से पैसा देंगे। वो बोला था हम बेच के बिजनेस को वापस सर्वाइव करवाना चाहते, नहीं मिला, ऊपर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा। सर मैं आपको स्कैम नहीं गिना रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि फाइनेंस मैनेज कर पाना, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये सब पढ़ आप लोग पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या है, कैलकुलेशंस है, किताब में फॉर्मूला भरा पड़ा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट समझोगे तो फॉर्मूला भी एक दिन तैयार कर लो, मोहब्बत करना पड़ेगा सर ठीक है। चलो आगे बढ़ो, तो अल्टीमेटली हम लोग कैलकुलेट करके क्या देखे थे, 16.5% आया था, 16.5% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो नोन एज केसी, व्हाट इज नोन सर, केसी, केसी केसी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 16.5% क्या है सर, ये 16.5% क्या है, इतना मेरे को मिनिमम करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हार्डल रेट, क्या बोलते हैं इसको, हार्डल रेट, हार्डल मैंने समझते हो ना, जिसे क्रॉस करना मैंडेटरी है, जैसे आप लोगों का एग्जाम इंटर का एग्जाम मैंडेटरी है ना क्रैक करना, आपका हार्डल है, समझ में, उसके बाद फाइनल का एग्जाम हार्डल है, वैसा ही बिजनेस के लिए ये हार्डल रेट है। बिजनेस को आप लोग एक दो चार एग्जाम में डर रहे हो, बिजनेस को रेगुलर बेसिस में हर महीने हर हर साल ये एग्जाम देना पड़ता है। एक बिजनेसमैन का हमेशा लव्ड अपना प्रेशर हाई लेवल में ही रहता है, क्यों, क्यों उसको ये हार्डल क्रॉस करना ही, रियल लाइफ एग्जाम उनको हमेशा देना पड़ता है। आप लोग एक चार्टर्ड एग्जाम CMA एग्जाम, यही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाता है ना, लेकिन आप मैं बिलीव करो, आप किसी एंटरप्रेन्योर जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है, स्क्रैच से बिजनेस को बना रहे हैं, दादाजी का जमीन बेच के नहीं, ठीक है, प्लीज डोंट टेक इट इन अदर वेज, दादाजी का जमीन बेचने का मतलब है कि मानो दादाजी का जमीन का पैसा है 50 लाख बेच के मिला, उसको बिजनेस पे लगा दिए और अभी बैठे हो, ठीक है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन जो एकदम स्क्रैच से बना रहा है ना, उनको पूछो कि भाई कैसे कर लेता है, उनका लपटप कभी अगर हो सके ना, लपटप समझते हो ना, हार्ट रेट, ठीक है, कभी हो सके तो एक बार कान लगा के कोशिश करना कि डेली उनका इम्तिहान किस लेवल का चलता है, तब जाके बनता है सर। तो हार्डल रेट समझ रहे हैं, हार्डल ये बिजनेस को क्रैक करना ही होता है, सुनने में 16.5 है, मैंने 100 टका में से 16.5 कमाना पड़ेगा, सर 16.5 नहीं कमा सकते, 16.5 नहीं कमा सकते, सुनने में 16.5 है सर। अच्छा तो दिस मीन्स दैट केसी 16.5% रिप्रेजेंट
the minimum return required from this project would viable only if it is expected to generate a post-tax KC, post-tax return greater than KC. माने अगर बिजनेस को सर्वाइव कराना है तो हमें इससे ज्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा. एंड इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक कैलकुलेशन करवाया था. 16.5% को मैंने इंटरेस्ट रखा था. मैंने इंटरेस्ट माने दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट. क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट रेट. सर डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है? सर डिस्काउंट रेट का मतलब हो जाता है कि यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ इंटरेस्ट रेट ऑल्सो. माने इन्फ्लेशन बोल सकते हैं आप इसको. कहना गलत होगा इन्फ्लेशन? नहीं सुनो, मैंने इन्फ्लेशन कैसे मैं बोल रहा हूँ. जैसे इन्फ्लेशन का मतलब डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है? ये डिस्काउंटिंग वर्ड इन्फ्लेशन से आता है, जानते हो? अगर आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास करोगे उसमें मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बात करता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल आज अगर मार्केट में 7% इन्फ्लेशन है, हाँ सुनो तो बात, एक बार मेरा एक बार कंप्लीट करना फिर मेरा जरा क्वेश्चन लेता हूँ. 7% अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट है, से फॉर एग्जाम्पल तुम अपना पैसा बैंक में रखते हो 1,00,000 टका, इजी एग्जाम्पल के लिए 1,00,000, बैंक वाले आपको बोल रहे 7% ही तुमको रिटर्न देगा, तो तुमने सोचा कि 7% बैंक में रखते पैसा बढ़ाने के लिए. तो 7% जब बैंक में रखने के बाद तुम्हारा पैसा बढ़ा तो क्या सच में तुम्हारा पैसा बढ़ा? तुमने 1,00,000 लगा के 1,07,000 कमाया, एक साल पहले 1,07,000 टका में, 1,00,000 टका में जो चीज मिलता था, एक साल बाद 1,07,000 में वही अमाउंट मिलता है. इसको एक दूसरे एंगल से बताते हैं कि 7% इन्फ्लेशन का दूसरा मतलब है. दूसरा माने एक ही बात को बताने का एक दूसरा तरीका. अगर 7% इन्फ्लेशन है तो हम बोल सकते हैं कि आपके पॉकेट में जो 1,00,000 है उसका वैल्यू 93,000 हो गया. एक लाख टका अगर मार्केट में 7% इन्फ्लेशन है तो 1,00,000 टका आपके पॉकेट में जो अभी दिख रहा है वो 1,00,000 नहीं है, वो 7% कम में है, वैल्यूएशन उसका कम हो गया. गलत होगा बोलना? जैसे हमारे पॉकेट में 100 टका होता है, इसको समझाने का तरीका भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बताया जाता है. आपके पॉकेट में 100 टका है, मेरे पॉकेट में भी है, सबके पॉकेट में, लेकिन यही 100 टका आज से किसी को 30 साल पहले या 40 साल पहले लोगों का एक महीने का सैलरी होता था. अगर 40-50 साल पहले का कोई भी बड़ा बुजुर्ग तुम्हें मिल जाए, इवन तुम पापा को भी पूछ सकते हो या फिर पापा के पापा को भी पूछ सकते हो, वो तुमको यही बोलेगा कि 100 टका सैलरी मिलता था, पूरा फैमिली चल जाता था 70 टका में, उसके बाद भी 30 टका वो सेविंग करता था, 5 पैसा पास का भरा था, ठीक है, 1 पैसा में चप ये फुलूरी चौप मिलता था, ठीक है, 1 पैसा में, ऐसा तुमको स्टोरी सुनाएगा. आज भी कुछ लोग इतना नॉस्टैल्जिक होते हैं, दुकान में जाओ बंगाली एरिया में तो बहुत, बंगालीज आर वेरी नॉस्टैल्जिक, वाओ, ठीक है, इनको ना कल क्या होगा आज क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता. उनका क्या था, किस जमाने में क्या होता था, वो तुमको कहानी सुनाएगा बिठा के. मेरा दादाजी का ये था, मेरा दादी का ये था, मेरा ये था, ठीक है, आज क्या है. तो चाय के दुकान में जाओ ना, यही सुनोगे मुझे गारंटी. कल कुछ अच्छा हो सकता है, आज कुछ अच्छा हो सकता है, डजंट मैटर, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टाइम वैल्यू. ये लोग गॉसिप करता है, बट इनका गॉसिप का मेन मुद्दा टीवीएम होता है, ये डिस्काउंट रेट होता है. ये जो 7% में गिर गया ना इनके पॉकेट का 100 रुपया, यही इनका चिंता है. तुम दुकान में देखो जिन्हें से दाम कत पड़े से, पॉलिटिकल जो हवाबाजी चल रहा है ना, तुम जाके पूछो, एक ही मुद्दा है सीपीएम का, तो सबसे बड़ा मुद्दा ही है जिन्हें से दाम कत बढ़े से. अच्छा जिन्हें से दाम बढ़े से तो कि मानो से रोजगार बढ़े नहीं, तो तेरे MP MLA गुलो, मतलब पार्टी का जो लोग MP MLA है वो लोग अभी 1.5-2 लाख टका सैलरी कमाता है. पुराने MP MLA लोगों को 10,000 टका का सैलरी मिलता था, तो 10 गुना इनकम बढ़ा है, तो चीज का दाम भी बढ़ा है, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोले. आप लोग बात समझ रहे हो ना सर? लेकिन बस पॉलिटिकल मुद्दा दिखाने के लिए नित्य प्रयोजनीय जिनिसेर दाम बेड़े जाच्छे, सरकार की करेछे, शुधु जिनिसेर दाम बाड़िये जाच्छे. एकटा साधारण गरीब मानुष कोथा थेके पाबे एतो टाका?
বাজারে গেলে 500 টাকা থাকে না, বাজারে গেলে 500 টাকা থাকে না, একটা মানুষের 500 টাকা রোজগার নেই, ऐसा करके বলতে হয় না? यस, वो लोग सही बोलता है। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट टीवीएम, ये डिस्काउंट रेट, माने आपका पैसा डिस्काउंट हो गया ना, वही डिप्रिशिएट को यहाँ पर फाइनेंशियल लैंग्वेज में डिस्काउंट है। बात समझ में आ रहा है सर? समझा करो, फाइनेंस को समझा करो, ये समझ जाओगे ना। मैं इतना समय इसलिए दे रहा देता हूँ ये सब बातों में, ताकि आप लोगों को जब आगे का कैलकुलेशन कराओ तो कैलकुलेशन मैटर नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट में देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखा था कि सर मेरे को एक साल बाद 500 टका 500 करोड़, ये सब करोड़ों में था, बिजनेस का प्रोजेक्ट है, 500 में क्या चलेगा। एक साल बाद 500 करोड़, दो साल बाद 400 करोड़, तीन साल बाद 600 करोड़, ऐसा करके मिला। मेरे को कैलकुलेट करने बोला है, जो मेरे को कल मिल सकता है उसको मैं आज में सोच रहा हूं। ऐसे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, लिव इन प्रेजेंट बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचता है तू आज में जिया कर, वही फाइनेंस भी आपको वही बोल रहा है, बहुत ज्यादा सोचता है तू आज में जिया कर। एक साल बाद 500 करोड़ मिलेगा, अरे बाबा, एक साल बाद 500 करोड़, 800 करोड़ ही तो लगाए, 500 करोड़ एक साल में आ जाएगा, चलो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा डिस्काउंटेड 16% है, इसका डिस्काउंटेड 16% 16.5% कैसे आया, क्योंकि मेरा तो मार्केट में लोन चल रहा है। अगर मैं इतना ना कमाऊं तो मेरा जो 100 रुपया है ना, जो पॉकेट में अभी 100 रुपीज है, वो 16.5 में गिर जाएगा। समझा करो, सपोज यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट, और अगर आपने नहीं कमा पाया 16.5, मान के चलता हूं 2 मिनट के लिए, तो माइनस कर दो 16.5। क्यों? क्योंकि खुद खाओ ना खाओ दूसरे का पैसा तो देना पड़ेगा। चलो इक्विटी का पैसा फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लोन का पैसा तो मैनेज ही नहीं कर सकते, इक्विटी वाले को थोड़ा शांत कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जा, है ना, तेरे को देते हैं ना, इनकम होने से ही तेरे को देते हैं। लेकिन लोन वाले आपका बात नहीं मानेगा, वो आपको डिफॉल्टर मानेगा, कुछ दिन बाद नोटिस पे नोटिस देगा। तो ये 16.5 पे आपका अगर बैलेंस गिर जाता है तो कितना हो जाएगा बताओ? 83.5 हो जाएगा, समझ रहे हैं सर? तो ये 16.5% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाओगे। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं, ये तरीका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। इस तरीके से हमको एक चीज मिला, इसको मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट बना के भी दिखाया था। सर फॉर्मेट क्या था, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, अच्छा चलो इसको कैलकुलेट कैसे किया था हम लोगों ने, लास्ट दिन मैंने सिर्फ सॉल्व कराया था, इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बोल पाया था, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को इसका डेफिनेशन दिखाना है, और डेफिनेशन दिखाने के टाइम पर मुझे समझाना नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व था तो और माथा नहीं खराब करेंगे। तो आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1, 2, 3, 500 करोड़ का कैलकुलेटर लो हाथ में, कॉमर्शियल कैलकुलेटर, 16.5% डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, क्या करना है सर? चलो ये वाला कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है तो दे दो सर, ले लेते हैं, देखो कैलकुलेटर में क्या किया था मैंने, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने रेट पूरा फाइंड आउट कर लिया था, 16.5% को डिस्काउंट किया था, कैसे किया था सर, 16.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.165, इसका मतलब ये हो जाता है 1 टका लगाने से 1.165 मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, योर 1 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड 0.165 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, ये 1.165 कोई आसमान से नहीं टपका है, ठीक है। सो 1.165 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्यों, ये टीबीएम का टेक्निक है, दो बार डिवाइड करने से वो आपको पीछे की तरफ लेके जाता है, प्रेजेंट की तरफ लेके आता है, जो फ्यूचर का वैल्यूएशन है उसको आपको आज के तरफ लेके आता है, फ्यूचर में 500 मिलेगा बोला ना, तो उसका आज का वैल्यूएशन कितना है, तो 1.165 को अगर दो बार आप डिवाइड करते हो अपने कैलकुलेटर में और फिर एक बार इक्वल मारते हो तो आपको देखो कैलकुलेटर में कुछ दिखेगा, ठीक है, तेरा उस कैलकुलेटर में आया नहीं आया, आ गया, अच्छा, तो इसमें जो आया सर दिस इज नोन एज
पॉइंट के बाद चार डिजिट लेना, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। 0.8584, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 6 है तो हम लोग 4 ले सकते हैं। तो ये जो 0.8584 है इसको क्या बोलते हैं जानते हो? दिस इज कॉल्ड PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, माने वो इंटरेस्ट का फैक्टर जिसको अगर आज के रेट में कन्वर्ट किया जाए तो कितना वैल्यू होगा 16.5% रेट में। 16.5% तो फ्यूचर का मैटर है, तो उसको अगर आज के रेट में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? इस रेट को जब तुम 500 के साथ इंटू करते हो, ज्यादा हो गया, काटने का जगह है, सी करने से सी ना, कितना हुआ 429। इसका सिंपल मतलब होता है कि जो 500 करोड़ तुमको एक साल बाद दिख रहा है ना, उसका आज का वैल्यू 429 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.5%, जो तुम्हारा एक्चुअली कॉस्टिंग, जो तुमको 500 करोड़ दिख रहा है एक साल बाद, उसका आज का वैल्यू है 429 करोड़। सिमिलर तरीके से फिर से मैं करता हूं, 16.5 डिवाइड गलत कर दिया ना, 16.5 क्या हो गया बेटा, सीधा क्या क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.165 प्लस कर दो 1 यानी 1.165, अगेन दो बार डिवाइड मारो, इस बार मैं एक बार इक्वल नहीं दो बार मारूंगा, ठीक है। तो ये जो दो बार आया ना 0.7367, दिस इज माई सेकेंड ईयर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसके साथ में सेकेंड ईयर जो मेरा 500 करोड़ कितना था, सेकेंड ईयर 400 करोड़ है, इसके साथ मैं इंटू करूंगा 400 को, करने से कितना आया था 294 करोड़। जो तुम्हें 400 करोड़ दिख रहा है ना दो साल बाद, उसका एक्चुअल वैल्यू आज के रेट में 294 करोड़, 16.5% प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट। ये तुमको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा सर, कोई भी डिसीजन आज खड़ा होकर लेना पड़ता है, फ्यूचरिस्टिक व्यू अच्छा होता है, पर जो तुम कल को आज देख पाओ तो जिंदगी आसान लगता है ना, कल को काल में देखने से वो क्या होता है, वो तो फ्यूचर ही होता है, और आज को अगर पीछे देखोगे तो नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, है ना। तो कल को आज में देखना है तो वही देखने का कोशिश कर रहा है। अच्छा, और एक बार इक्वल मारेंगे तो तीसरा वाल का आ जाए, थर्ड वाले का, दिस इज कॉल्ड PVIF को थर्ड ईयर, ठीक है। ये सब मैंने लास्ट क्लास में लिखा दिया था, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यूएशन आया इसके साथ 600 को इंटू करेंगे, करने के बाद मेरा वैल्यूएशन है 379.47 करोड़, मैंने जो 600 करोड़ तुमको तीन साल बाद दिख रहा है वो 600 करोड़ एक्चुअली आज के डेट में 379 करोड़ है, कॉस्टिंग को मैनेज करते हुए, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू मिला था 1103.36 करोड़, ये 1103.36 करोड़ एक्चुअली आपका प्रेजेंट वैल्यू है, जो एक्चुअली आपको दिखा था 500, 400, 900 और इधर 600, 1500 करोड़ दिख रहा था। आम जनता इसको 1500 करोड़ सोचेगा, बट एक फाइनेंशियल नॉलेज वाला बंदा इसको 1500 करोड़ नहीं, इसको 1103 करोड़ समझेगा, बिकॉज आम जनता वो कॉस्टिंग करना भूल जाता है। क्लियर ना? अभी 1103 करोड़ से जैसे मैंने 800 करोड़ जो मैंने लगाया था उसको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे को एनपीवी मिलता है। क्या मिलता है सर? एनपीवी, इसी को प्यार से बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये एक बहुत सेलिब्रेटेड टेक्निक है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर जितना टेक्निक है उस टेक्निक में से ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड सबसे पॉपुलर टेक्निक माना जाता है। सर क्या पता चला फिर इस प्रोजेक्ट से? सर इस प्रोजेक्ट से ये पता चला कि ये जो 303.36 करोड़ है, 36 करोड़, ये 303.36 करोड़ हमें ये बताता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूं तो मेरा प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स का वेल्थ 303 करोड़ में बढ़ा सकता है। और क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट शेयर होल्डर का वेल्थ 303 करोड़ में बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, सो यू कैन सिलेक्ट दिस प्रोजेक्ट। सर अगर ये 303 करोड़ की जगह एक करोड़ भी होता या 1 रुपी भी होता तो भी एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस में हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और वायबल, और वायबल, वायबल ये वर्ड यूज करता है VIABLE, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड आपको थोड़ा नया लगेगा जो फाइनेंशियल फील्ड में चलता है, वायबल ये वर्ड नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। जिसका इंग्लिश थोड़ा सा मेरे जैसा वीक है उनके लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनका दर्द समझता हूँ।
ठीक है, अब हर कोई तो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा होगा ना, तो क्या बाकी बच्चों को पढ़ने का राइट नहीं है क्या? हाँ नहीं, बहुत सोचता है इंग्लिश होगा तो मैं नहीं कर सकता, यही आधा से ज्यादा लोग तो ये भाषा के चक्कर में पढ़ाई नहीं करता है। मेरा माथा हो जाता है गर्म, मैं बोलता हूँ लैंग्वेज को इतना अहमियत मत दो यार। सोचो ठीक है, लैंग्वेज इंसान को बैरियर नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड में जाओगे तो वहां पर जो चासा भूसा होता है ना फार्मर्स, वो तुमसे बेहतर इंग्लिश बोलते, बिकॉज वो उसका मदर टंग। ठीक है, तो ये इसमें क्या बड़ी चीज है, वो ऐसे ऐसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेगा, ऐसा ऐसा लैंग्वेज यूज करेगा, तुम बोलेगा भाई इसका मतलब तो हमको पता ही नहीं, तो क्या तुम अनपढ़ हो गए? ठीक है, उस दिन मैं सुन रहा था ट्रम्प है ना, ट्रम्प अमेरिका का, ठीक है, वो इंडिया में आया था, वो इसका यूट्यूब वीडियो वायरल हुआ था बहुत, उसमें विवेकानंद का एक नाम वो प्रोनाउंस किया कर रहा था, ठीक है, तो विवेकानंदा, ठीक है, ये तुम किसी भी अमेरिकन को पूछना कभी, तो ट्रम्प बोले नहीं पाया, ठीक है, वैसे बोला विवेकामना मनामा, ऐसा कह रहा, बोल ही नहीं पाया। इवन उस दिन ओबामा भी बोल रहा था, क्योंकि ओबामा का जो सिटी है वो चिकागो है, और विवेकानंद भी जी भी चिकागो जाके भी वहां वही पर, उस टाइम पे अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था चिकागो, तब न्यूयॉर्क इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर कोलकाता पॉपुलर था नॉट मुंबई, ठीक है, सिमिलरली वहां पर चिकागो पॉपुलर था, तो चिकागो में ही हुआ था वो सम्मेलन, तो वहां पर, और ओबामा भी सेम सिटी से बिलोंग करता है, तो विवेकानंद के बारे में बचपन से जानता है, तो उस दिन ओबामा किसी एक इंडियन फ्रेटर्निटी को कहीं पर एक एड्रेस कर रहा था, तो उसमें वो बेसिकली विवेकानंद का नाम ले रहा था, उसने भी ऐसे ट्रम्प जैसा उसने नहीं किया, बट वो भी विवेक तो बोल दिया आनंद, और नहीं बोल पा रहा, ठीक है, फिर विवेक अनंदा, ठीक है, मैंने तुम अगर सुनोगे ना, तो उनका वो इंग्लिश वो हमारा संस्कृत प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाया, हम उनपे हंसे क्या? हाँ हंसा है ना, लेकिन सवाल उठता है कि जब हम लोग उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, यहाँ पर तो सर हम उनपे हंस रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल बातों में तुम देखो कि हम लोग अपने ही अंदर एक दूसरे को टांग खींचे करते हैं जब हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों का नहीं है, ये दूसरों से भाड़ा किया एक लैंग्वेज है, जिसको हम लोग पता नहीं कितना दिन और भाड़े पे लेके चलेंगे, मतलब ये बहुत बड़ा रेंट हो गया 200 साल का, ठीक है, लेकिन नॉर्मली एक इंडियन ही दूसरे इंडियन का टांग खींचे करते, फॉरेनर लोग शायद तुम्हारे टांग खींचे नहीं करे अगर तुम इंग्लिश नहीं करता है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, वो रेसिज्म करता है, एक्सेंट पे करता है, अरे बाप, चलो यार फिर मारपीट हो जाएगा। हाँ वो उस पे चलता है ना, ये कौन सही है? अच्छा गजब है, ये तुमसे पता चला मेरे को, ठीक, एक्सेंट को लेके रेसिज्म कर लेता है, समझ गए सर, एनपीवी, ठीक है, अब चलो एनपीवी का डेफिनेशन लिख, डेफिनेशन माने फॉर्मूला, हेडिंग करो एनपीवी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया सबको, एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। हाँ एन 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 फॉर नागपुर, ठीक है, एनपीवी नेट नेट, एन फॉर नेट, फुल फॉर्म लिख ले बाबा, उफ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हो नहीं सकता है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, नेट प्रेजेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली नॉट दिस, फिर भी थोड़ा सा लिखो यहां पर, सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव अ सिंगल तुम लोग सब लिख रहे हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव सिंगल कैश आउटफ्लो, एट द बिगिनिंग उसमें
redefined NPV as present value of cash inflow minus initial investment. इसको और मुझे समझाने का जरूरत नहीं है बिकॉज वो वाला पार्ट में कवर कर चुका हूं. ठीक है सर, एनपीवी से क्या होता है? एनपीवी शोज, कई बार एग्जाम में ना आपको एनालिसिस देना पड़ता है. ठीक है, क्वेश्चन में, स्पेशली फाइनेंशियल क्वेश्चन में आपको एनालिसिस देना पड़ता है कि भाई एनपीवी पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो इसका जवाब देना पड़ता है. अगर तुम नहीं देते हो ना, तुम्हारा मार्क्स काटेगा. इवन किसी किसी केस में, सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे वहां पर हमेशा मेंशन नहीं करता है कि एनालिसिस देने का नंबर कितना है, बट तुमने सपोज आंसर निकाल दिया, जैसे 303 करोड़ का हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, लेकिन 303 करोड़ करके तुमने छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ना एक चीज हमेशा जुड़ता है कि एडवाइस द शेयर होल्डर्स या एडवाइस योर क्लाइंट. तो ये एडवाइस वर्ड देने का क्या मतलब है कुछ, है ना? तुमने तुमने क्या किया, सिर्फ आंसर निकाला और तुम ये करके आ जाते हो और तुमको लगता है कि तुमको तो मार्क्स मिल जाएगा बिकॉज आंसर तो मैच कर गया, लेकिन तुमने डिसीजन नहीं दिया. और अगर तुमने डिसीजन नहीं दिया तो अगर 5 नंबर में 5 मिलना चाहिए था तो हम सोचो कि भाई 2 नंबर तो गया. सो एनपीवी शोज द चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ. As a result of the project, इसमें number of share into share price, number of share into share price, यानी कितना number of share है और share का दाम क्या है, जो basically एक shareholders wealth को दर्शाता है. Shareholders wealth कैसे समझ में आएगा, कितना company का share है और share का दाम क्या चल रहा है. नंबर ऑफ शेयर को शेयर प्राइस इनटू कर दो, शेयर होल्डर्स वेल्थ का पता चल जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट लिखो, शेयर होल्डर्स वेल्थ रिफर्स टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी. Market capitalization of the again we number of share into share price. Case one. तो केस लिखो, समझ में आ जाएगा. एनपीवी इज पॉजिटिव. अगर आपको बोल रहे कि एनपीवी पॉजिटिव, से एनपीवी इक्वल्स टू 40 लाख, कितना बोला 40 लाख, क्या बोलोगे इसको, एक्सेप्ट करोगे ना? यस. ठीक है, तो क्या लिखोगे? प्रोजेक्ट इज viable. वर्ड लिखो सर, प्रोजेक्ट इज viable एज इट विल इंक्रीज शेयर होल्डर्स. हर एक कंपनी अपना पूरा जी जान लगा देता है एक ही काम करने के लिए कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाए, कमाने के लिए. बिजनेस क्यों करते हैं, स्टॉक मार्केट में बड़ा लेवल में क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए ना. खुद भी कमाएंगे पर आपको भी कमा के देंगे. आप कौन हो? बिजनेस में पैसा लगाए हो, इन्वेस्टर. इसी के चक्कर में तो पूरा खेल है. अगर उनका ही कुछ भला ना हुआ तो फिर प्रोजेक्ट लेके क्या करेंगे.
तो शेयर होल्डर्स वेल्थ कितने में इंक्रीज हुआ सर? 40 लाख. इट विल इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय 40 लाख. केस टू, जैसे आज ही हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में सुबह बात कर रहे थे, आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो और शेयर मार्केट क्लास में हम लोग इस चीज को फील करते हैं और फिर शेयर में पैसा लगाते हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. आज सुबह ही मैं पढ़ा रहा था, एक सेकंड को चलते हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में लोगों ने पैसा ट्रेड करने को बोला था, 5-10% का प्रॉफिट हुआ पर शेयर में. द कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इन मार्केट एंड पेट्रोलियम 154 करोड़. तो ये 154 करोड़ में अगर किसी का बिजनेस का स्टेक लिया, मैंने 100% शेयर होल्डिंग ले लिया, मैंने इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी बन गया एक तरह का. 100% स्टेक जब किसी ले लेते हैं तो होल्डिंग कंपनी बन जाता है. तो 154 करोड़ में, 150 करोड़ में अगर वो ले लेता है, तो इसका मतलब उसका बिजनेस का क्या हो गया, एक बहुत बड़ा एरिया बढ़ गया. तो इसी चक्कर में इसका शेयर का दाम में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ऐसा करने से शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है. हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, और स्टॉक मार्केट में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं उसी फाइनेंशियल साइंस को, साथ में मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का कुछ टेक्निक यूज करते हैं मार्केट से कमाने के लिए. एग्जाम्पल के रूप में और भी दिखाता हूँ आपको. RVNL ने लोएस्ट बिडर पड़ा किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उनको काम करने का मिला, तो वहां पर 187 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली प्रोजेक्ट को लिया है. ठीक है, मतलब ये बेसिकली रेलवे का काम करता है. ठीक है, तो 187 करोड़ में लोएस्ट बिडर बना, माने काम उसको मिला. लोएस्ट बिडर जो बनता है, और अगर कंपनी का गुडविल सही है, काम उसी को मिलता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को देखते हुए RVNL का शेयर कम से कम 30-40% डेवलपमेंट दिया सिर्फ इसी न्यूज के आधार पर. आप चाहो तो चेक कर सकते हो गूगल में जाके, या आपका अगर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में उसके बैठ जाए. ठीक है, फिर आपको और दिखाता हूँ. ये देखो, मैक्रोटेक डेवलपर्स द कंपनी अकॉर्ड द रिमेनिंग 50% स्टेक ऑफ सिद्धिविनायक रियल्टर्स. ठीक है, इसके शेयर में कम से कम 100 रुपये का डेवलपमेंट, 92 रुपीज का ग्रोथ मिला है एक दिन में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन के तहत. किसी बिजनेस में उसका 50% स्टेक था और 50% स्टेक उन्होंने बढ़ा दिया, और उसको स्टेक को लेने के लिए 415 करोड़ का इन्होंने बाकी इन्वेस्टमेंट किया. अब फ्यूचर में इसका क्या होगा बिजनेस के अंदर, वो तो फ्यूचर बोलेगा, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर मूव को मार्केट ने एक पॉजिटिव वे से लिया. और मजा का बात है, ये मेरा परसों का मार्केट एनालिसिस था. मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ता है, मैंने उनको बोला कि आप लोग ये सब स्टॉक के बारे में देख सकते हो, और अगर मौका मिले जिनको ट्रेड करना आता है तो किस टाइम पे बाई करना चाहिए और किस टाइम पे निकलना चाहिए, वो मेरा सिखा हुआ होता है. तो वो उस चीज को जानता है और उसने ये चीज किया. तो ओवरऑल मैंने 7-8 स्टॉक दिया था, तो उसमें से 5-6 स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, 2-3 स्टॉक प्रॉपरली नहीं किया. अब कहने का मतलब है कि अगर आपका, देखो आप लोग का क्या फायदा है कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट क्लास में हर कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता. कोई कोई तो सर आर्ट्स पढ़ा है, कोई कोई तो क्वालिफिकेशन सुनोगे तो 10th पास कर गया है, सिर्फ मार्केट में पैसा लगा के कमाना चाहता, तो उनको तो मैं फाइनेंस पढ़ने के लिए बोल नहीं सकता. और अगर उनको मैं डाल भी दूं तो वो क्या समझेगा. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ. तो आप लोगों को मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि जो पढ़े उसके एप्लीकेशन ही है. क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दिखा तो रहा हूँ आपको, मैंने मेरा एनालिसिस किस तरह से चलता है. इवन ये मैं कल का बात कर रहा हूँ, कल मार्केट गिरा था, मैंने कल स्टॉक मार्केट अगर आप निफ्टी कल देखोगे, कल निफ्टी 24-25 पॉइंट्स में गिरा था, लेकिन मैं जितना स्टॉक एनालिसिस दिया था उनमें से आउट ऑफ 8 स्टॉक्स में अप्रॉक्स 80% स्टॉक पॉजिटिव मूव किया, जहां पर पूरा मार्केट थम गया था, लेकिन ये सभी स्टॉक मार्केट में परफॉर्म किया था. अब जाके चेक कर सकते. ठीक है, तो यहां पर मैं क्या किया ये नहीं बता रहा हूं मैं, मेरे को कहीं पर किसी को प्रूव नहीं करना है कि मेरे को कितना पता है, ऐसा नहीं है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल सेंस आपको ये सब डिसीजन लेने में हेल्प करता है. मेरा बस यही आपको, मैं ये सब पढ़ के मेरे को क्या लगता है, अरे अच्छा तब तो मैं अच्छा इसके बारे में क्या जितना कंपनी, सभी कंपनीज के बारे में तुरंत सारा इसका पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ क्या हमेशा? क्या वास्तव में संभव है कि बोल देख लिया और सारा एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया और पैसा लगा लिया, इतना संभव है? एक एक एनुअल रिपोर्ट 400 पेज का होता है,
लेकिन बेसिक ट्रेडिंग करने के लिए ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन ही मेरे लिए काफी काम करता है। और अगर आपको मार्केट पता है अंदर कैसे क्या होता है, उसी में से जो बंदा समझता है वो निकल जाता है, डेली का 1000-2000 कमा लेता है, इवन कोई कोई तो डेली 4-5 हजार भी कमा लेता है। ठीक है, मैं आपको लोभ नहीं दिखा रहा हूं, नहीं समझ में आता है मत करना, ठीक है, लेकिन इट्स पॉसिबल। और उसके लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल सेंस और उसके साथ वही एप्लीकेशन करने का इच्छा। एक दिन में तो नहीं बन जाओगे सर, टाइम लगता है हर चीज में, सुनना जितना आसान है, जो चीज जितना केक वाक लगता है ना सुनने में, अरे भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, आप समझ लेना कि उतना ज्यादा मुश्किल। जैसे ये बंदा जिम जाता है, बॉडी बनाता है, ठीक है ठीक है, अब वो जब मेरे को बोलता है ना, कुछ नहीं है, सुबह से जाता हूँ जिम करता हूँ और सिक्स पैक आ जाता है, तो मैं भी ना 6-7 साल से बोल रहा हूँ कि मेरा भी सिक्स पैक कमिंग सून, ठीक है, कितना नहीं, तू नहीं भागता, मैं एक बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मैम कभी कभी मैं मोटा बन जा रहा हूँ सर, तो बैठे बैठे से गोल मेडल हो जा रहा हूँ, तो मैम कभी बोलते हैं क्या कर रहे हैं थोड़ा कि सीख, कितना सुंदर सुंदर बॉडी बना रहे सर, तो मैं मैम को ऐसे ही बोलता हूँ सिक्स पैक कमिंग सून, ठीक है, तो बोलते हैं मैम बोलते हैं धीरे धीरे फैमिली पैक बन जाएगा तेरा, सिक्स पैक कमिंग सून, 2 दिन बाद इतना बड़ा पेट लेके पढ़ाने बैठेगा। हाँ, बोले चलो यार यही मोटिवेशन है, मैं तेज से मोटिवेशन देता हूँ कि मेरे को भी बनाना है, बुला रहा है ना, ट्रेनिंग देगा मेरे को, अभी मैं डांटता हूँ उल्टा सीधा सुनाता हूँ तब मेरे को सुनाने का मौका मिल जाएगा, अरे सर आपको कुछ नहीं आता, हाँ बेकार में आ जाते हो, केस टू, चलो एनपीवी इज नेगेटिव, से एनपीवी इक्वल्स टू 40 लाख बट ब्रैकेट माने लॉस, सिंपल मतलब है प्रोजेक्ट इज क्या, प्रोजेक्ट इज नॉट, या फिर ऐसे लिखो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड एंड इट विल डिक्रीज, इसका मतलब सिंपल होता है इट विल डिक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय 40 लाख, 40 लाख में शेयर होल्डर का वेल्थ को क्या कर देगा सर, गिरा देगा। अगर कोई प्रोजेक्ट का मूवमेंट मार्केट को लगता है कि ये इसका बर्बाद कर सकता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट एंगल से बता रहा हूँ सर, तो उसमें ना इन्वेस्टर उसमें और पैसा नहीं लगाना चाहते, इसलिए जो इन्वेस्टर देखना कहीं कहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ना वो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है उस पर भी अपना एक डिसीजन लगाते हैं, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट तो बहुत मैंने लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बोलते हैं कि ये तो जुआ है, वो है, ये है, जुआ क्यों है, क्योंकि तुम बिना कुछ सोचे समझे किसी बिजनेस को ना जाने हुए तुम उस पर पैसा लगा रहे हो तो वो जुआ है, लेकिन जब किसी के बिजनेस को समझते हो तुम उस बिजनेस में पैसा लगाते हो तो वो कहां से जुआ हुआ, वो तो प्योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ, नेक्स्ट। तो एनपीवी रिलेटेड कैलकुलेशंस भी हो गया जो सबसे पॉपुलर है, एनपीवी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, ठीक है कि क्या होता है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं सर, यहाँ पर कितना कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है पहले, उसके बाद वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी एनपीवी, अब मैं पीआई बताऊंगा, आईआरआर बताऊंगा और पेबैक पीरियड बताऊंगा, फिर उसके बाद एआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या बताएंगे सर, पीआई, तो क्यों पीआई क्यों, दूसरा कुछ क्यों नहीं लिए सर, उसके पीछे भी कारण है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है ना, कार्यो कारण संपर्क मुझे बुझ भी सही कार्यो कारण संपर्क बुझ इसे पढ़ाना है जानी कार्यो कारण संपर्क
फिलोसफी डिपार्टमेंट कार्य कारण संबंध दर्शन फिलोसफी কখনো কখনো পড়ি অ্যারিস্টটল দান্তে মাঝে মাঝে ঠিক আছে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফারদের শুনি কি বলছে ফালতুর বকবক করে কিচ্ছু জানে না ওরা ঠিক আছে স্বামী বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ পরমহংস বা আমাদের রামানুজন এদের দর্শন যদি পড়ে নেয় না মানুষ জীবন শুদ্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে আরে অ্যারিস্টটল দান্তে ফান্তে যেগুলো আছে না কিচ্ছু নাই চারটে খালি বড় বড় কথা কোনো মানে নেই স্যার রামানুজন ও ভাবতো স্বপ্নে একটা দেবী আসতো ও হচ্ছে ওকে স্বপ্নেতে সব ওকে অ্যান্সার বলে দিত এটাই তো এইসব বড় বড় লোকেদেরকে পড়ানো হলো না রামানুজনকে পড়ানো হলো না শঙ্করাচার্যকে পড়ানো হলো না বিবেকানন্দকে পড়ানো হলো না কাকে পড়ানো হচ্ছে অ্যারিস্টটলকে পড়ো দান্তেকে পড়ো কিছু জানে মনে নেই এরা হ্যাঁ আজকে একটা জায়গাতে ইউটিউবে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে ওই ছোটবেলায় আমরাও পড়তাম কুইজের মতো কি দর্শনের জনক কাকে বলা হয় হু ইজ দি ফাদার অফ ফিলোসফি লেখা আছে অ্যারিস্টটল হ্যাঁ হ্যাঁ এসব পড়া যেত আছে আমল পড়ে তো কিন্তু এটা কোন না সেটা তো মডার্ন ডেতে এরকম নয় তুই জানিস বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ কার থেকে নিয়েছে অদ্বৈত বেদান্ত অদ্বৈত বেদান্ত শঙ্করাচার্য আমাদের দেশে সব থেকে বড় ভাবে এস্টাবলিশ করেছে ঠাকুরের কাছ থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুর তো কিন্তু ওর আগে ওই ফিলোসফি এস্টাবলিশ হয়েছে যে আদিগুরু শঙ্করাচার্য যেখানে চার ধাম বানায় মানে চার ধাম পেলে সে থা উসকো রিকানেক্ট কিয়া এসব অনেক বড় কথা ছেড়ে দে খারাপ হয়ে যাবে চল ইয়া এই কোনদিন এইসব ক্লাস নিয়ে বসলে আউট অফ সিলেবাস ডিসকাশন হতেই থাকবে প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্স পিআই পিআই মানে হচ্ছে পিআই কা কিছু দুসরা নাম দিয়ে কেন নাম হ্যাঁ স্যার কবি কবি লাগতে এসব পড়ানো ছোড়বে না ওই সব পড়ানো চাই বেনিফিট কস্ট অ্যানালিসিস লিখো বেনিফিট কস্ট কস্ট রেশিও সরি বেনিফিট কস্ট রেশিও আর এক চিজ দেখো ডিজায়ারেবিলিটি ফ্যাক্টর ডিজায়ারেবিলিটি नाम से घबराओ मत एक्स्ट्रा नाम है कहीं पर दिख जाए तो कनेक्ट कर ले ऐसे सबसे पॉपुलर पीआई यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बट इसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहा जाता है या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है या डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है वेरी इंटरेस्टिंग इसका फॉर्मूला ना एनबीबी का जस्ट एक इम्प्रोवाइजेशन क्या करता है पीआई के फॉर्मूला में क्या बोला जैसे एनपीपी में क्या बोला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कोथाय लिखे कैश इनफ्लो माइनस ओ सॉरी 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 कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने आउटफ्लो सॉरी 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 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट वेरी सॉरी तो इसमें आप लोग ये लिखो इसका भी वही होगा सर मैंने गलती लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश की बोलो इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ये डिवाइड करता है सर ये माइनस नहीं करता ये डिवाइड करता है तो फिर पी आई का मतलब क्या हो जाता है क्या हो ये सॉरी पढ़ नहीं रहा है आज पढ़ाई में मन नहीं है तेरे हाँ कैसे लाल लाल करके रखा है हाँ नींद आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या फिर मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि तेरे को नींद आ गया घुमपाड़ा नहीं कान होते कि घुमपाड़ा नहीं मासी पीसी घूमेर बाड़ी है सुना है पारा जोड़ालो पारा जोड़ालो बोर्गी एलो देसे और बुलबुली तक धान खेजे खाजना देवो किसे चलो घुमपाड़ा निकाल नहीं है रे बाबा चलो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है सेम कॉन्सेप्ट है
হ্যাঁ বলো স্যার, কেউ কিছু বলছে বোধ হয়? হ্যাঁ বল অঙ্কিতা, কিছু বলছিস কি? না না আচ্ছা, তো প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ইনফ্লো ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। অ্যাকচুয়ালি ক্যা না, ইয়ে ইনফ্লো আউটফ্লো কনসেপ্ট বস বতানে কে লিয়ে হোতা হ্যায়, মেইনলি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট সে হি ক্বেশ্চন মে জ্যাদাতার কেস মে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করতা হ্যায়, ঠিক হ্যায়। বাট আগার ও ইনফ্লো আউটফ্লো ভি ইউজ কর দে তো আপকো দিক্কত না হো, ঠিক হ্যায়। নেই তো বোলেগা স্যার হাম লোগ পড়নে কে টাইম পে ইনফ্লো আউটফ্লো পড়তে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্ড কহীন ইউজ নেই কিয়া থা, ইয়া ফির ভাইস ভার্সা, ইসলিয়ে মে লিখা দে। অব ইসকে বারে মে কনসেপ্ট ক্যা কাম করতা হ্যায় স্যার, ইফ লিখো, ইফ এনপিভি ग्रेटर देन जीरो, अगर एनपीपी जीरो से ज्यादा होता है तो इट्स ऑलवेज ट्रूथ की पीआई ग्रेटर देन वन होगा, होगा ही होगा। मैंने दुनिया का कोई भी ताकत इसको ऐसा नहीं कर सकता कि वो पीआई ग्रेटर देन वन नहीं होगा। हाँ, दे आर रिलेटेड बिकॉज फॉर्मूला देखो ना, वो माइनस करके बोलता है, ये डिवाइड करके बोलता है, ये रेशियो वाइज जवाब देता है, ठीक है, और वो होल नंबर में जवाब देता है, एब्सोल्यूट नंबर में जवाब देता है, बस यही तरीके में डिफरेंस है। अभी मैं आपको देखो इसके बारे में जैसे लिखा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन होता है, देखो सर एकदम एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन होता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, एग्जाम सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट का पीआई एक से ज्यादा हो गया कैलकुलेट करके तो प्रोजेक्ट को लेना है, ठीक है। जैसे एनपीपी फुल नंबर पे आने से लेना है, पीआई एक से ज्यादा होने से लेना। सर एक कैसे आएगा, अभी कराते हैं ना सर। इफ एनपीपी लेस देन जीरो तो पीआई लेस देन वन होगा सर, तय है सर, इट्स फिक्स्ड। If NPP less than zero, PI less than one होगा, project is rejected. तय है सर, तय मैंने ऑलरेडी फिक्स्ड है सर। कैसे फिक्स्ड हो गया, आपने कुछ फिक्स करवाया क्या सर? जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे मैं उसी क्वेश्चन से आपको इसको सॉल्व करूँ। कौन सा क्वेश्चन था? वही तीन साल का जो केस स्टडीज, 800 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 500, 400, 600 करोड़ का मेरा इनफ्लो, है ना, उसी कॉन्सेप्ट में समझते हैं, इजी हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पीआई कैलकुलेशन करने के टाइम पे एनपीवी कितना लाया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू 1103.6 दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं बोलू कि ये मेरा इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो ही तो था टोटल करके जो 1103 है, तो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो ही तो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, है ना। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 800 कर दूं, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड आई माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये जो था इसको हम लोग बोल देते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आप लोगों ने अभी अभी सॉल्व करवाया, मैंने अभी समझाया, तो अगर बोलोगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये था ये वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मैंने जो कैश का मेरा इनफ्लो हुआ था उसका आज का वैल्यू कितना है, तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना सर, ठीक है। तो एग्जाम सिचुएशंस में क्या करोगे, ये कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको पीआई पूछता है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर माइनस नहीं करके डिवाइडिंग, मैंने ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपको करना है, मैंने ईयर्स एनसीए पीबीआईए प्रेजेंट वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल। बट यहाँ पर क्या हो गया, 1103.36 से 800 करोड़ को माइनस करके मैंने 303.36 करोड़ का हम लोगों को एनपीबी मिल गया, बट इस बार नहीं मिलेगा एनपीबी, इस बार क्या मिलेगा, पीआई। तो दिस इज अनदर तरीका समझने के लिए कि सर 1103.36 इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, 800 करोड़ इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो माई पीआई इज व्हाट, कितना आया, 1.37 92,
1.38 बोल सकते हैं। चलो 3.8 कर लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंड। 1.38 सर, ये 1.38 से बिजनेस के बारे में क्या समझा जा सकता, क्योंकि आपने कैलकुलेशन किया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा बिकॉज प्रोजेक्ट का वैल्यू एक से ज्यादा आया है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक से ज्यादा है। सर इसका सिंपल मतलब समझा सकते हो, 1.38 का सिंपल मतलब? एक सेकेंड, हाँ बोल। एनपीपी, हाँ ठीक है, वो तो तुमने एनपीपी पहले कर लिया बोल के बोल रहे, अगर तुमने एनपीपी पहले नहीं करते तो इसे 1.38 का क्या मतलब होता? एक टका प्रॉफिट होचे, एक टका 39 रुपीस होचे प्रॉफिट করেছি আমরা। सिंपल सिंपल, हाँ अंकिता ने थोड़ा सा अच्छा ट्राई किया सर, कि एक टका लगी है 1.38 पीछे, मींस वी कैन से दैट कि रुपीस 1 लगाने से 1.38 आता है। मैंने मैंने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया 1 टका, ठीक है, रुपीस 1 इन्वेस्ट करने से, ठीक है, रुपीस 1 इन्वेस्ट करने से हिंदी में लिख दो 1.38 आता है, ठीक है, समझने के लिए सर, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस में किए बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1.38 का मतलब क्या, एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑनली, नोट योर, फॉर योर नोट, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा है ना, 1.38 क्या फर्क पड़ता है 1.38 पे, ठीक है। আমি শুধু দেখবো কি আমার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু পজিটিভ আছে কি নেই, আমি এনপিবি কি কখনো ওইভাবে চিন্তাই করবো, এনপিবি কো অ্যানালিসিস করার তরিকা হোল নম্বর সে, কি আগে মেরা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু 1 হ্যাঁ ইসকা মতলব প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্টেড হ্যায়, আর নর্মালি नॉर्मली मैंने ये एक मैंने बेसिकली एक बेसिक मैथमेटिकल रूल है कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन 1 होता है, सॉरी इफ एनपीवी पॉजिटिव होता है तो पीआई ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि ये तो मैथमेटिक दिख रहा है ना, क्योंकि 1100 3.36 से तुमने इधर 800 को डिवाइड किया तो ये तो तुमको एक होल नंबर मैंने पॉजिटिव नंबर देगा जो एक से ज्यादा है, अगर ये 800 से कम होता, सॉरी ज्यादा होता, या फिर ये वाला अमाउंट ज्यादा हो जाता कम हो जाता तो नहीं होता। मैंने डिस्काउंट रेट माना, ठीक है, कि भाई मेरे को अगर सर्वाइव करना है इतना तो मेरे को कमाना ही पड़ेगा, तो मेरे को जितना भी करोड़ों मिल रहा है, सपोज मेरे को 500 करोड़ मिल रहा है, तो उस 500 करोड़ को मैं जो 16.5% मेरा हार्डल रेट है उस रेट से मैंने आज भी कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या मेरे को सुविधा होता है, मेरे को ये समझ में आता है कि आखिर मेरा को जो 500 करोड़ मिलने वाला है एक साल बाद उसको आज के डेट में क्या वैल्यू मेरे को दिख रहा है। मैंने इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, भविष्य में जो पैसा मेरे को मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना, और उसके लिए आपने डिस्काउंट रेट जो लिया वो क्या लिया सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉर्मली अलग देता है और हार्डल रेट सॉरी डिस्काउंट रेट बोल देता है, बट अगर कुछ नहीं बोलता तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही एज्यूम करके किया जाता है, ठीक है। बाकी देखो जितना और प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगे हम लोग और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस का सामना करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं हर एक टेक्निक को आपको समझा दे रहा हूँ सर। अच्छा इसमें और एक चीज जोड़ना सर, द कन्वर्जन प्रोसेस बिटवीन एनपीवी एंड पीएल इज
NPV equals to PI minus 1 into initial investment. PI minus 1 into initial investment. This is the conversion between NPV and PI. जो तू मेरे को पूछ रहा था ना सोईकॉल कि सर क्या एनपीवी के साथ मैं पीआई को जोड़ सकता हूँ? यस, बिकॉज एक डिवाइड करके आता है और एक माइनस करके आता है, तो इसके बीच में एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है फाइनेंस। फॉर्मूला क्या है कि एनपीवी इक्वल्स टू पीआई माइनस वन इंटू आई। इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो तो दूसरा आंसर आ जाएगा। एग्जाम सिचुएशन में मानो आपको एनपीवी भी करने बोला, पीआई भी करने बोला, तो आपको ना बार बार सेम काइंड ऑफ चीज दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर एक आ जाए शॉर्टकट में अब कन्वर्जन करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में यू ऑलरेडी नो, यहाँ पर एक चीज मेरे को बस एक्स्ट्रा देना है। अच्छा, जैसे कि हमको क्या पता, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 700, ऐसे मैंने माना, ठीक है, एंड पी आई इक्वल्स टू 1.2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 700 और पी आई कितना है 1.2। मतलब ये मैंने दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो तो आ जाएगा ना, वो आ गया ना। अब यहाँ पर एनपीपी में क्या होगा, 1.2 माने पीआई माने 1.2, 1 तो फार्मूला के अंदर आता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 700, तो एनपीपी कितना हो जाएगा बोलो, 0.2 कितना हो रहा है, 140 लाख। दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन एनपीवी एंड पीआई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, कब काम आएगा पता नहीं बट आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जरूरत में याद नहीं रहता, फिर तुम क्या करते हो, पूरा एनपीवी को जिस तरह से कैलकुलेट किया, अब प्रेजेंटेशन दिखाने से लिए तुमने फिर से पीआई को भी सेम तरीके से दिखा रहे हो। शॉर्टकट तो नहीं कर सकते कि प्लीज सी अबव क्वेश्चन, ऐसा करके नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लीज सी अबव सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट योर एग्जामिनर, ठीक है, कि आप उनको नहीं बोल सकते कि आप अबव देख लो। आपको अगर जवाब देना है तो वापस उसी तरीके से देना पड़ेगा, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी है तो आप इस कनेक्टिविटी को यूज करना, इसमें एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि इसको पता है। अच्छा, नेक्स्ट, अब एक चीज पे हम लोग आ रहे हैं सर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है सर, नहीं IRR। ये कैपिटल बजटिंग का सबसे खतरनाक टेक्निक है, टेक्निक जो है सबसे खतरनाक टेक्निक, सुनने में आधे से ज्यादा लोगों नाक में पानी आ जाता है, ठीक है, आंख में बहुत कुछ हो जाता है IRR देखने से। ये तीन एक्चुअली मैंने ये 1, 2, 3, 4 ना इस हिसाब से नहीं दिए, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट से चल रहा है उसमें से पॉइंटिंग करके लिखा रहा हूँ, उसका 1, 2, 3 लिखा, ये कोई टेक्निक का नहीं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ, कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बट फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो कि IRR होता क्या है। आम जनता माने हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई टेक्निक का यूज करते हैं, हाँ ऑब्वियसली जो मैं लिखूंगा वो लिखने के लिए ना सर, नहीं तो मैं फालतू में क्यों नहीं समझाने के लिए नहीं लिखा रहा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट। सर इस वर्ड को अगर फील कर सकते हो ना तो मैं मान रहा हूं, ये जो सेंटेंस मैंने आपको लिखाया, इफ यू कैन फील इट, सर कैसे फील कर ले, दोस्ती यारी फील नहीं कर पाते, इसको फील करने बोलते आप। सर मैं बोला ना बिजनेस सेंस, अगर आप बिजनेस करते हो या फिर बिजनेस करने के बारे में सोचते हो
अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं है बट लाना पड़ेगा, आगे जाके आप एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत कुछ करने वाले हो, है ना, दूसरे के बिजनेस का एनुअल रिपोर्ट देखने वाले हो, है ना, दूसरे के बिजनेस का एडवाइस देने वाले हो कि भाई क्या करना है नहीं करना है, तो आपके आपको पता होना चाहिए ना कि तुम क्या बताने, एडवाइस देने क्या दोगे उनको, ठीक है। तो तुम एंटरप्रेन्योर बनो ना बनो, तुम लोग तो प्रोफेशनल बनोगे, आगे जाके एंटरप्रेन्योर बन भी सकते हो ना भी बन सकते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर तो तुम्हारे पास आएगा, तो वो कहाँ गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर तुम उसको फील नहीं कर पाओगे तुम उसका गलती कैसे पकड़ोगे, इसके लिए वो क्या फील कर सकते हैं वो तुमको फील करना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहा हूँ, बस हाँ, बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनको कहा जाता है कि दे आर द डॉक्टर ऑफ द बिजनेस। एक चार्टर्ड को तो बिजनेस का डॉक्टर कहा ही जाता है ना, क्योंकि अगर बिजनेसमैन चार्टर्ड के पास जाता है तो वो बेसिकली बिजनेस के तरक्की के लिए जाता है। लेकिन सर ऐसा काम कितना लोग करता है, सर वेरी फ्यू करता है, वी नो दैट, बट ज्यादातर लोग तो बस अपना ड्यूटी करते हैं, भाई मेरा तो, मेरे को तो ऑडिट मिलेगा, ठीक है, मेरे को तो टैक्स फाइलिंग मिलेगा, सजेस्ट करके दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में लोगों को इतना रुचि नहीं है। बट अगर वो रुचि रखेगा ना, वो एक मॉडर्न लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जो देश को बहुत जरूरत है, जो देश को बहुत जरूरत है। आजकल का जो पुराना कॉन्सेप्ट में जो चले आ रहे हैं ना, उसमें बस अपना फार्म खोल के जो ट्रेडिशनल काम होता है वही करते रहते, कोई मतलब बिजनेस को बढ़ावा नहीं देता, एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने में काम नहीं करता, किसी को बिजनेस को एनालिसिस करके उसको बताता नहीं है कि भाई तुमको क्या करने से डेवलपमेंट मिलेगा, जो नॉर्मली अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में ना बहुत पॉपुलर हो चुका है। हमारे देश में इसका अभी तक ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा तुम देखोगे नहीं कि कोई किसी को बिजनेस करने का इच्छा है, एक सजेशन लेने जाते हैं किसी चार्टर्ड से कि भाई जाओ एक बार सजेशन लेके आओ क्या करने से बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सकते, नहीं करता वो, क्योंकि उनको ये सब फीलिंग नहीं है, उनको बस अपने काम से मतलब है, करता नहीं, लेकिन करना चाहिए ना, मतलब ये भी एक न्यू मॉडल बनेगा अपकमिंग 20 ईयर्स में बनेगा, लिख के रख लो, समय का मांग है, होगा ही होगा गारंटी। तो पॉइंट इज द इंटर्न, मतलब बेसिकली वो क्या करेगा ना, तुमको पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा, एक प्रैक्टिसिंग क्या करता है, पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देगा कि भाई तुम्हारा क्या, कौन सा बिजनेस है, अच्छा ये करना चाहते हो, अच्छा बताओ क्या, सर्वे रिपोर्ट किया, डेटा दो, कितने का प्रोडक्ट है, कितने में बेच पाओगे, मार्जिन क्या रख सकते हो, मार्केट में और कंपटीटर कौन कौन है, अगर तुम अकेला फर्स्ट टाइम आ रहे हो, न्यू प्रोडक्ट है तो उसका रिस्क है कि मार्केट उसको लेगा कि नहीं लेगा, और अगर मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तुम उस पर एज ए न्यू प्लेयर घुसना चाहते हो तो कितना कॉम्पिटिशन है, कितना तुमको बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, कितना तुमको कॉस्ट मेंटेन करना चाहिए, और कितना तुमको मार्जिन रहेगा, मैंने प्रॉफिट रहेगा, और तब जाके तुम कितना दिन में तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न पा सकते हो, ये सभी चीजें पहले से डिसीजन लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है सर, किसी की बिजनेस के अंदर का छुपा हुआ रिटर्न। अब छुपा हुआ रिटर्न का मतलब, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप लोग ना मार्केट में, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, सामने मिला दे रहा हूँ, ये तामा का बॉटल बेच के दिखाओ, ठीक है, तामा का बॉटल, वाटर बॉटल बेचो। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि तामा का वाटर बॉटल बेचो या इसका बिजनेस करो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हाँ बोलो, क्वालिटी, तामा का क्वालिटी, वो तो हेल्थ बेनिफिट हो तो मार्केटिंग हो गया, तुम दूसरे को समझाओगे तो मार्केटिंग है कि कॉपर का पानी पीने से हेल्थ के लिए बेनिफिट है इसलिए ही मैं पीता हूँ, ठीक है, फिर बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको पता नहीं, वो इंटरनल है, समझ में नहीं आता, लॉन्ग रन में समझ में आता है। हाँ मेरे को एक चीज हुआ है सर, मेरे को बहुत सारा पेट का बीमारी था, ठीक है, बट जब से मैं मोटा मोटी कॉपर का चीज यूज करता हूँ मेरा डाइजेशन में काफी हेल्प होता है, दूसरा पेट का बीमारी भी मेरे को बहुत, मैंने बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर, हाँ रिलीफ बहुत मिला है, ठीक है, मतलब अनजाने में मिला है, लॉन्ग रन यूज करने से पता चलता है, ठीक है। अब इसमें वो मैं नहीं बोल रहा था आपको, इसका बेनिफिट नहीं समझा रहा, जब भी तुमको किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो तामा का बॉटल हो या प्लास्टिक का, तुम्हारे दिमाग में सिंपल आएगा भाई इसको बेच के पैसा कितना कमाएंगे। अरे एक एंटरप्रेन्योर सिंपल सोचता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं सोचेगा, सर ठीक है लेकिन इसको बेच के पैसा कितना है, सबसे पहले आप सोचोगे इसको खरीदने का कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ट्रेडर बनोगे तो खरीदने का खर्चा, सपोज तुम एक बॉटल खरीदते हो 200 टका, फिर उसमें तुम ब्रांडिंग करते हो डिजाइनिंग करके या फिर अपना ब्रांड लगा के 700-800 टका में 1 लीटर का बॉटल बेचते हो, ठीक है, लेकिन मार्केट कितना बड़ा, कितना लोग खरीदना चाहेगा,
इस पर डिपेंड करता है इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तब क्वेश्चन है सर, तब क्वेश्चन आपके लिए नहीं, बिजनेस के लिए, एक बिजनेस के अंदर छुपा हुआ रिटर्न। जो भी बंदा एक बिजनेस के बारे में सोचता है उसको करने से पहले, लेकिन ना नॉर्मल लोग ऐसे बात करते हैं, ये बिजनेस करेगा, जैसे अगर मेरे को कोई आके पूछता है, मैं सोच रहे ग्रोसरी का दुकान लगाए, ठीक है, अगर आके तुमको भी पूछता है कि सर सोच रहे ग्रोसरी का शॉप खोले, क्या रहेगा सर, अच्छा रहेगा? तो नॉर्मली मैं अगर उनको सजेस्ट करूंगा, दो चीज बोलूंगा कि सर तुम्हारा मार्केट है, तुम जहां पर खोलना चाहते हो क्या लगता है वहां पर मार्केट है? अगर आसपास में कोई और नहीं है तो नाक बंद करके खोलो, अगर जनता जनार्दन है, मैंने बहुत सारा फ्लैट बना है, कोई और प्लेयर नहीं है, चुपचाप खोल दो, देखने का भी जरूरत नहीं है, बस लोकेशन में लोग है कि नहीं ये देख लो, नहीं तो मच्छर मारोगे, ठीक है। और अगर ऑलरेडी 4-5 प्लेयर है तो फिर नॉर्मली ना बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ग्रोसरी है, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेशन का भी बड़ा है, हो सकता है कि तुम नया आके मार्केट को पकड़ सकते हो, उनका भी मार्केट खराब कर सकते हो, इसमें मार्जिन कम रहता है, माने इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लो है। बात समझ में आ रहा है? माने एक पैकेट मैगी बेच के, सपोज तुमने सारा दिन में 100 पैकेट मैगी बेचा, तो क्या तुमने 100 पैकेट मैगी बेच के, सपोज फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज करके अगर दाम है, तो तुमने कितने का बिजनेस किया? 60 × 100 6000 का, सारा दिन में 6000 का रेवेन्यू कमाया, बट तुम्हारा कितना रहा? हाँ, एक एक पैकेट मैगी बेच के कितना है? 2-3 टका रहता होगा, 5 टका, हाँ 60 टका पैकेट है, 10% 6 टका, 10% रह जाएगा, ठीक है। तो 6000 का बिजनेस करके 60 टका मिला, 10% 600 टका। तो ये जो मैं बात किया ना, दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे को नहीं पता वो बोल रहे, उसका दुकान है, खरीदने में 4 टका 60 पैसे मैंने वो एक्चुअली वॉल्यूम में करोगे तो चलेगा। मैंने 40 टका ही चलो, 40 टका प्लास्टिक बॉटल में पानी का, अच्छा अच्छा दशकर्मा पूजा का जो चीजें होते हैं, अच्छा अच्छा इसमें ऑलमोस्ट 70% हम लोग का मार्जिन था, 70% तभी तो क्या हुआ, डबल डबल भी हो जाता है। बता लड़के जो मेरे से टॉप सेट होता है, टॉप सेट, हाँ एक तो वाटरप्रूफ सेट जिसमें तो बस डिजाइन किया गया, वो हम लोग लाते हैं 80-90 में, और ऑलमोस्ट 300-300 में बेचते हैं। लाओ कलर के शेड भी आ चला, लेकिन वो तो रोज रोज नहीं बिकेगा, उसका तो रोज रोज बिकना नहीं है ना, वो शांत इसका क्वालिटी अच्छा है, लेकिन वही मैं एक्चुअली, ठीक है, मैंने बेसिकली वही चीज है, मैंने अगर देखो अगर वहां पर डेली गिफ्ट आइटम पर बिकता है तो ठीक है, अगर मानो कब किसका शादी होगा, कब किसका अन्नप्राशन होगा, ठीक है उसके ऊपर, माने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस बिजनेस में कितना छुपा हुआ है, वो छिपा हुआ रिटर्न बोलना जितना आसान है उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। अब इसको मैं समझा रहा हूं आपको, आप लिखो इसमें आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, आउटफ्लो को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसे इसको एक्चुअली प्रूफ करना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं एक्चुअली इसको बेसिकली दिखा रहा हूँ कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली कैसे दिखता है, मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों का वही प्रोजेक्ट लेता हूँ सर, 800 डाला था, एक साल बाद 500 मिला,
500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस कर दो 400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल स्क्वायर, फिर 600 कर दो 1 प्लस आर होल क्यूब। अब जितना दूर चलेगा उतना, अब हमारा प्रोजेक्ट 3 साल का था तो 3 साल का लिया, ठीक है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक्चुअली इस आर के बारे में ना पता नहीं, बोलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे हम लोग ये वाला चीज नहीं समझ पाते, वहां पर आई पढ़ते हैं। थोड़ा बाहर है ये, दिस इज नॉट एग्जैक्टली टीबीएन, ये अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सुनो पता लगेगा। यहाँ पर 800 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 400 डिवाइड बाई 1 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 600 डिवाइड बाई 1 प्लस होल क्यूब, माने आपका ये जो 500 400 600 है इसमें आप जो पैसा लगा रहे हो ये दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा। सर दोनों साइड इक्वल का मतलब है कि इधर 800 है, इधर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से, रेट ऑफ रिटर्न होने से आपका इधर साइड भी अप्रोक्स 800 होगा, 800 करोड़। इसके लिए ये आर कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी बिग डिफिकल्टीज, मैंने बोल के नहीं समझा जा सकता। फिलहाल मैं आपको ये मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अभी, फिलहाल बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि फिलहाल मेरे को आपको सिखाना नहीं है, समझाना है। 38% मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा था कि अगर मेरा ये आर 38% होता है तो मेरा इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा। करके देखो, प्लीज डू इट सर जल्दी। आर एच इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.38 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.38 होल स्क्वायर एंड 600 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.38 होल क्यूब। पॉइंट इसलिए क्योंकि 38 बाई 100 कर, 38% को डिवाइडेड बाई 100 कर, 500 का इसका करने से, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है सर। आप ऐसा कर सकते हो, देखो आपका 1.38 तो आपको पता है ना, तो 1.38 को अगर आप डिवाइड करके एक बार इक्वल कर देते हो और इसके साथ आप इंटू कर देते हो 500 को, आपको कितना मिला? 362.31 ना। देखो ये वाला कैलकुलेशन करने का भी एक टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेटर में, सबको ही क्या कर रहा है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ सबको ही क्या कर रहे हैं। पहले 500 बाई 1.38 कर रहे हैं, फिर उसका कर रहे हैं, सेकेंड टाइम जब कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं 1.38 into 1.38, फिर उसको अलग से एक बार कॉपी में लिख रहे हो, फिर 500 से उसको डिवाइड कर रहे हो, फिर जब क्यूब आएगा 1.38 into 1.38 into 1.38, फिर उसको साइड में लिख रहे हो, फिर उसको 500 से डिवाइड करोगे, है ना। अब इसका ये तो 3 साल है, चलो हो गया, 10 साल होगा तो एग्जाम में 10 साल का भी क्वेश्चन देता है, तो क्या 10 बार ऐसे लिख के रखोगे और लिखते जाओगे और फिर डिवाइड करोगे बच्चों की तरह? एग्जाम में आप लोगों को कितना सारा चीज सॉल्व करना है, वही टेक्निक दिखा रहा हूं, इसलिए सुनो। भले ही कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरा वो बचपन वाला टेक्निक सही है, नहीं सही नहीं है, वो आपका बचपन के लिए सही था, अब के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैलकुलेटर में ही सारा चीज हो जाएगा और मैंने हार्डली 5-10 सेकंड लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। क्या करना है, मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें 1.38 जो मेरा डिवाइडेशन पॉइंट है, अभी आपको मैंने इंटरेस्ट फैक्टर निकाल के दिखा रहा था, तो आपको क्या करना है, 1.38 तो आपको पता है, ये तो मेरा नीचे वाला पोर्शन है। अब 1.38 को मैं यहाँ पर डिवाइड ही करूंगा, क्यों डिवाइड करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 500 के उससे डिवाइड करना है आगे जाके, ठीक है। तो मैं डिवाइड करके एक बार इक्वल मारा तो मेरा फर्स्ट फैक्टर आ गया, इसके साथ आप इंटू कर दो 500 को, 362.32, ठीक है। फिर से काट दो, इस बार क्या करोगे, 1.38 डिवाइड मारो, एक बार इक्वल दो बार इक्वल, इसको इंटू कर दो 400 के साथ, 210 प्लस हो जाएगा 210, ठीक है, ठीक है, छोड़ो जीरो को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दो सर, 1.38 डिवाइड डिवाइड, एक बार इक्वल दो बार इक्वल तीन बार इक्वल, थर्ड फैक्टर आ गया,
इसके साथ इंटू कर दो 600 का 228 प्लस 228.30 कितना आसानी से हुआ। कहां मुझे क्या लिखना पड़ा, मुझे कहीं पर भी कुछ लिखने का टुकने का जरूरत पड़ा, बांग्लादेश वाले टुके रखा ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा, ना तो टुकने रखना पड़ा ना ही कहीं पर मुझे कुछ लिखना पड़ा, सारा चीज कैलकुलेटर में ही हो गया। तो हुआ ना सर, 4-5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वो लिख तो वहां पर लिखोगे करोगे 5 मिनट उधर चला जाएगा। ये सब टेक्निक यूज करना है, दीज आर ट्रिक्स, फाइनेंशियल कैलकुलेशन का ट्रिक्स है ठीक है। ये सब बुझते पे हेलो আশা করছি সবাই বুঝতে পারছিস, কেউ কিছু বলছিস না কিন্তু অনলাইনে যারা আছিস, অভিজিৎ, শিল্পা, অঙ্কিতা, আর্য, শালিনী, সমন্দিতা, কেতনা আছে স্যার? 800.62 কে ইগনোর কর সকতে হো, আর ইসকো না এসে ইকুয়ালস মত দেনা, ইকুয়াল কে উপর না এসে বাট ওয়ালা এক সাইন দে দেনা, ক্যা দে দেনা স্যার? বাট ওয়ালা সাইন, মানে রিটার্ন কানি, হ্যাঁ नहीं, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इक्वल के ऊपर एक बर्ड वाला साइन देने का मतलब है, वो बचपन में से करते हैं ना ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, इक्वल्स के ऊपर दे देने का इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, मैंने 800 एग्जैक्टली तो सेम 800 नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, कितना तक हो सकता है डिफरेंस, 1% प्लस 1% माइनस, मैंने 800 का जगह 808 के अंदर आए तो चलेगा, और 800 के नीचे 792 तक आए, 1% प्लस 1% माइनस एग्जाम मानता है, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि 800.62 मैंने एकदम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सही हुआ है, इसका मतलब अगर मेरा रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न 38% है तो मेरा 800 दोनों साइड में मैच करेगा, एंड माई IRR इज एक्चुअली 38%, बट ये 38% मैंने कहां से लाया, ये है सबसे खतरनाक काम, ये है सबसे खतरनाक काम सर, इसी के बारे में IRR का क्लास होगा जो मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगा कि ये IRR क्वेश्चन में दिया था कि ना क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, नॉन मतलब अगर आपको एकदम स्पेसिफिकली IRR का क्वेश्चन दिया तो नहीं बोलेगा, अगर स्पेसिफिकली IRR कैलकुलेट करने का क्वेश्चन होगा तो नहीं देगा, बट अगर IRR कैलकुलेशन इज नॉट द मेन मैटर किसी दूसरी चीज में है तो फिर आपको बोल देगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 38%, लेकिन आपको कुछ और कैलकुलेट करना है, तो अगर फोकस IRR कैलकुलेशन करना है तो वो नहीं बोलेगा, और उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड काम करता है, जो मेथड थोड़ा टेढ़ा है पर सिखाऊंगा नहीं कहीं से नहीं आएगा ये 38%, आप घर पे सोचना सर कि ये 38% की जगह कुछ और परसेंटेज हो जाए, मैंने यहाँ पर आपको सिंपल इतना बोला है कि आर क्या होगा, आप कोई मैंने दूसरा कोई मैथमेटिकल कोई एक्स करके वैल्यू पकड़ के नहीं कर सकते, फाइनेंशियली इस आर को कैसे सॉल्व करो, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका एक ही तोड़ है ट्रायल एंड एरर मेथड, जो मेथड एक्चुअली मैं IRR जब एग्जैक्टली डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तब मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया IRR होता क्या है ठीक है, एक फाइनल पॉइंट लिखो और घर जाओ। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखाने जा रहा हूं, इफ NPV ग्रेटर देन 0, PI ग्रेटर देन 1 एंड IRR ग्रेटर देन AC, अगर ऐसा होता है तो प्रोजेक्ट इज accepted. If NPV less than 0, PI less than 1 and IRR greater than, sorry, less than KC, project is rejected. एकदम दिमाग में भर लो, NPV greater than 0, PI greater than 1, IRR greater than KC, होगा ही होगा, मतलब बेसिकली एक सब क्या है ना मैचिंग करने का तरीका। हाँ बोलो सर, IRR less than KC तो less than this is the less than KC ठीक है, ये less than KC
अगर ऐसा होगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? मैं हो सकता है सर इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास दे सकता हूँ फाइनेंस का, मैं बता दूंगा सर, ठीक है? या तो एक इस वीक में दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक से एक एक्स्ट्रा एपीएम क्लास ऐड हो सकता है आप लोगों के रूटीन में। मैं थोड़ा सा सोच समझ के आपको, हाँ कोशिश करूँगा, ठीक है? कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी जो टेक्निक है उसको बताऊंगा, उसके बाद आयरन कैलकुलेशन में। अभी ना आयरन कैलकुलेशन में शुरू में ही लेके नहीं जाना चाहता, नहीं तो आप लोग बोलोगे कैब्बा चैप्टर ही बेकार है, ठीक है? इसलिए मैं पहले बाकी टेक्निक पढ़ा दूँ क्योंकि वो ईजी टेक्निक है, उसके बाद आयरन लास्ट में सिखा के फिर कम्प्लीट करूँ। थैंक यू सर, आज इतना ही है सर। ये सवाल पूछते पे रहे? यस सर। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर बोल रहे थे गुड नाइट आपको व्हाट्सएप करें। हाँ बोल रवि। बोल रहे थे क्वेश्चन था वो आपको एक व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे बस देख लीजिएगा ना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। Thanks.